हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो गाइस, पिछली वीडियो का लाइक है तो भाई सब दो दिन में ही कंप्लीट हो गया। भाई मैं खुद इतना शौक रह गया कि भाई 15,000 लाइक सिर्फ दो दिन में कम्प्लीट हो गए। भाई पागल कर दिया यार आप लोगों ने। गाइस आप लोग क्या बोलूं यार, आप लोग इनसेन हो भाई आप लोग यार। तो चलो यार गाइस, अब इस वीडियो का लाइक गोल भी सेम ही है, 15,000 लाइक गोल का टारगेट है भाई। फटाफट से कंप्लीट करवा दो, मेरे को खुश कर दो, वीडियो भाई उतनी ही जल्दी आ जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट टाइम ना गाइस लॉस सैंटोस में जो रेसेस हो रही थी वर्ल्ड के सबसे बड़े रेसिंग टूर्नामेंट की टिकट लेने के लिए, हम उन सारी रेसेस में जीत गए। बट लास्ट में क्या हुआ गाइस, जो रेस करवाने वाली कंपनी थी ना भाई, उन्होंने क्या हमारे साथ कर दिया स्कैम। उन्होंने गाइस क्या किया, अपना कोई बंदा भेजा और वो जो रेसिंग कार थी लिम्पोगनी भाई, वो बंदा मेरे से लेके ही भाग गया। तो गाइस हमने उसका पीछा किया तो वो बंदा भाई एक बंकर में जा पहुंचा, और गाइस जब हम भी बंकर के अंदर गए ना, बंदे ने भाई साहब बाहर जाके बंकर ही लॉक कर दिया और भाई हम फंस गए। तो मैंने कैसे भी करके भाई वहां पे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड थे उनको मारा, एंड उसके बाद ना गाइस मैंने कॉल लगाया लेस्टर को और लेस्टर आया। लेस्टर ने भाई एक होल किया और हमें भाई उस बंकर से बाहर निकाल दिया था। गाइस जब हम उससे बाहर आए ना भाई, मुझे पता चला कि हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी थी। हम उसके बाद हम अपनी वेबसाइट ले आए वहां से जाके, एंड अपनी जो वेबसाइट वो पब्लिक भी हो चुकी है। एंड उसके बाद गाइस लेस्टर की एक बुरी खबर आती है। लेस्टर मेरे को बोलता है कि भाई जो एल रुपए का फोन है ना गाइस, ये कह रहा था कि एल रुपए का जो फोन है ना वो अभी भी चल रहा है, जो एल रुपए का फोन की लोकेशन है ना वो एक आइलैंड पे शो कर रही है। लॉस सैंटोस के पास ही एक ना आइलैंड डिस्कवर हुआ है लेस्टर बोल रहा है, और वहां पे उसकी लोकेशन शो कर रही है। फिर मैंने लेस्टर को बताया कि भाई मैंने तो कायो पेरिको में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया था, बट ये कह रहा है कि मुझे लग रहा है एल रुपए तो मर गया, बट एल रूबे की जगह या तो फिर उसके किसी भाई ने ले ली है या फिर डगन बॉस ने ले लिया, और ये कह रहा है कि भाई हमें वहां पे जाके पता चलेगा। और लेस्टर को ना गाइस एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि उसी आइलैंड से लॉस सैंटोस में वेपन्स एंड ब्लैक ऑप्स के बंदे एंड बहुत सारी गाड़ियां भेजी जा रही है लॉस सैंटोस में हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो गाइस हमने कैसे भी एक छोटे से प्लेन का जुगाड़ किया, हम पहुंच गए उस कार्गो प्लेन में। हमने भाई साहब हवा में ही वो जो कार्गो प्लेन था ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके दिया था ताकि वो लिबर्टी सिटी जाए एंड बहुत बहुत तगड़ा एक माफिया बन के वापिस आए। बट अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है भाई डगन बॉस हम ऐसा स्कैम ना कर दे, मुझे सही में बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई। चलो ठीक है भाई, अभी तो वो कल सुबह जाके देखना, अभी हमें फटाफट से जाना है पहले अपने मेंशन पे और जाके वहाँ पे देखना कि भाई ड्राइवर को लास्ट टाइम हमने गुस्से में बोल दिया था भाई तू जाके इस मेंशन में रह, अभी देखते हैं भाई उसी मेंशन में वो रह रहा है या फिर नहीं। और हम लेस्टर को भी साथ लेके आए हैं, लेस्टर को भी हम उसी मेंशन में ठहरा देंगे और लेस्टर और ट्रेवर दोनों उसी मेंशन में रहेंगे। हम घर पे जाएंगे फिर सुबह भाई अपन उठेंगे, उसके बाद उस आइलैंड को देखने जाएंगे। एंड गाइस मुझे लास्ट टाइम बहुत लोगों ने गालियां दी भाई, वो बोल रहे थे कि भाई वो बंकर पे इतनी तगड़ी तगड़ी लिम्पोगनी उरुस रेंज रोवर और भी भाई लिमोजिन टाइप की गाड़ियां खड़ी थी, तुम वहां से क्यों नहीं लेके आए। सही में गाइस यार मुझे आप लोगों की माननी चाहिए। अब इसके बाद मैं सुबह क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अभी आइलैंड के लिए थोड़ी देर में बाद जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा सिमियन के पास। सिमियन के पास जाके हम एक ट्रक एंड ट्रेलर का जुगाड़ करेंगे, क्योंकि भाई बैनी अपने को बुलाता नहीं है तो मैं बैनी के पास नहीं जाने वाला। तो सिमियन के पास जाके उसके बाद ट्रक एंड ट्रेलर का इंतजाम करके वो गाड़ियां लेके ना मैं अपने शोरूम में छोड़ के आऊंगा, ताकि अपना भाई शोरूम में थोड़ी एक दो गाड़ियां आ जाए, मतलब थोड़ा शोरूम का काम चल जाए। भाई आप लोगों ने तो ये बोला था कि तुम अपने कलेक्शन में जोड़ो, भाई पता मैं अपने कलेक्शन में क्यों नहीं जोड़ रहा हूँ गाड़ियों को। अगर उस बंदे ने भाई अपनी गाड़ियों में ट्रैकर लगा के रखा हुआ ना भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तभी मैं कह रहा हूँ उसको शोरूम में लेके आएंगे एंड भाई उनको सेल कर देंगे। तो चलो यार अभी तो की बातें बहुत हो चुकी है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, फटाफट से निकलते हैं भाई साहब घर की तरफ। एंड भाई साहब लेस्टर को ना मेंशन पे छोड़ के उसके बाद मैं घर पे चलता हूँ, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो चलो यार गाइस निकलते सीधा मेंशन की तरफ। चलो यार गाइस मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता गाइस पहुंचने वाला हूं अपने मेंशन पे, और गाइस इस गाड़ी को तो मैं ना क्या ही स्पीड से भगाता हूँ। चलो ठीक है अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से गाड़ी अंदर लगाते हैं और भाई साहब देखते हैं अपना ड्राइवर जो है वो इधर पहुंचा भी है या फिर नहीं। चल भाई आजा लेसर, अभी तेरे को ना घर के अंदर सुला देता हूँ। और गाइज आप लोग मुझे पता है सोच रहे होंगे कि भाई माइकल ने तो लास्ट टाइम एक सिक्योरिटी वाले कपड़े पहन लिए थे, भाई वो हमने कपड़े उतार दिए थे क्योंकि भाई कपड़े वो घुटन वाले कपड़े हैं, तो मैंने भाई अपने गाड़ी में ही रख लिए कपड़े। तो बाकी चलो ठीक है यार अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, अभी देखते हैं भाई। बाकी यार लिम्पोगनी सियान तो खड़ी थी बाहर, एक सेकंड मैंने लिम्पोगनी सियान खड़ी थी ना बाहर, हाँ हाँ भाई लिम्पोगनी सियान तो इधर ही है, मतलब ट्रेवर भाई अभी घर पे ही है। तो चलो अभी ट्रेवर के पास चलते हैं, ये आखिरकार है तो है कहाँ, बाकी इधर तो नहीं दिख रहा। बाकी मैंने लेस्टर को ऊपर भेज दिया भाई वो सोने के लिए। बाकी यार ये ट्रेवर किधर है, भैंस की टांग पूरा घर ही खाली पड़ा है, ट्रेवर तो है ही नहीं, ना इधर है ना इधर है, अबे इधर भी नहीं है भाई, ये ट्रेवर कहाँ चला गया। यार गाइस मैं हर जगह पे ट्रेवर को ढूंढ चुका हूँ, ना ही ट्रेवर इधर है
और ना ही ड्राइवर इधर है भाई, बाहर भी नहीं है ड्राइवर। एक सेकेंड, एक बार ना छत पे चढ़ के देखता हूँ भाई, शायद हो सकता है इधर ही हो ड्राइवर। एक सेकेंड भाई साहब, ड्राइवर तो इधर भी नहीं है यार, मेरे को गुस्सा आ रहा है। एक सेकेंड, कुछ चलने की आवाज तो आ रही है। एक सेकेंड, बंदा यहाँ पे खुद है नहीं और टीवी चला रखा है। बिजली का बिल का तेरा बाप भरेगा, भैंस की टांग, बंद कर इसको भाई साहब। बिना मतलब का मतलब मेरे ऊपर बिजली का बिल बढ़ा रहा है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे भी नहीं है, बट ये कहाँ चला गया, मेरे को टेंशन हो रही है यार। ये चला तो चला कहाँ गया, बाकी सब कुछ मैंने चेक कर लिया, बस ये दो रूम्स नहीं चेक करे। ओके, ये भाई साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। चलो ठीक है भाई, इनको सोने देते हैं भाई साहब जी को। चलो यार, इसने बहुत सारे काम करे हैं, बंदे को सोने देते हैं। और ये मेंशन भी इसी के कारण मिला, और भाई लेसर यहाँ पे अपना सो गया है। चलो ठीक है, अब इनको तंग नहीं करते, और मुझे भी भाई घर पे जाके सोना है। रात हो चुकी है, कल बहुत सारे काम है। पहले तो गाइज आप लोग की जो मैंने गालियाँ सुनी है, पहले मुझे वो बंकर से गाड़ियाँ लेके आनी है, तो उससे पहले मुझे सिमियन के पास जाना पड़ेगा। वो मुझे ट्रक एंड ट्रेलर का इंतजाम करके देगा, और सिमियन को तो गाइज हमें ट्रक एंड ट्रेलर देना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोग को पता है ना, जब सिमियन फंस गया था, ये बहुत सारे उसके बंदे जो उससे लोन पे गाड़ियाँ ले गए थे, और बंदे ना ही गाड़ियां दे रहे थे ना ही पैसे दे रहे थे, तो उस टाइम पे बंदे ने मेरे को भेजा था इन सबसे रिकवरी करने के लिए। तो आप लोग को पता ही होगा, जिसको पता है ना भाई कमेंट में जरूर बताना, या चैट में जरूर बताओ किस किस को ये बात पता है। तो भाई साहब उसके लिए तो भाई उसके बिहाफ पे कम से कम उसको इतना तो करना चाहिए, हमने फ्री में उसके लिए काम किया था, पता नहीं पैसे दिए थे, अब मेरे को याद भी नहीं है। बाकी ठीक है यार, अभी ये वाले मेंशन का भी पता लगाना है भाई, इसमें कौन रह रहा है, कौन बंदा है भाई, उसका भी पता लगाना है। बट यार हमारे काम ही खत्म नहीं हो रहे, इसके लिए तो गाइस हमें कुछ ऐसे डिवाइस का इंतजाम करना पड़ेगा जो अंदर जा सके, क्योंकि हम अंदर जाएंगे अगर FI भी अंदर हुई ना, 2 सेकंड के अंदर अंदर जेल है हमें, 2 सेकंड के अंदर अंदर। तो भाई साहब हम जितना हो सके FIB से बच के रह रहे हैं। चलो ठीक है भाई, जो भी बातें अभी कल सुबह करते हैं, बातें ही करते रहेंगे भाई, तो आगे क्या करेंगे। तो चलो चलो अभी सीधा निकलते हैं अपने घर की तरफ, एंड घर पे जाके सोते हैं फिर। चलो निकलते घर पे। चलो गाइस, यार मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस घर पे पहुंचने वाला हूँ। और लास्ट टाइम गाइस आप लोग को पता है हमने 2 मैकेनिक्स बुलाए थे, जिनको बोला था हमारी 2 रेसिंग कार्स को, जिनको हम टोचन डाल के लेके आए थे उसी बंकर के बीच में से। एंड हमने भाई 2 मैकेनिक बुलाए थे, उनको बोला था कि भाई मतलब हमारी जो दोनों गाड़ियां ना उसको फिक्स कर दो। चलो ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ये गाड़ी को कहाँ लगाए भाई, अभी तो अपने पास गाड़ियां ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। माइकल की ये कार हो चुकी है खड़ी है, जो ये अमेंडा की भी कार खड़ी है, और पीछे अपनी बुगाटी खड़ी है। तो अपनी दोनों रेसिंग कार्स कहाँ है भाई, मुझे लग रहा है ना वो गैराज में खड़ी हो गई होगी। उनको सुबह देखूंगा भाई, क्योंकि अभी रात को ना भाई पता नहीं चलेगा अगर मैकेनिक्स ने सही काम किया भी है या नहीं। पागल कही गए, साइड हटना भाई, पागल ही है यार ये जिम्मी, पीछे पीछे जब पता है मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, बीच बीच में जानबूझ के आ रहा है। चलो ठीक है, अभी फटाफट से ना ये गाड़ी को लगाते हैं इधर। क्या ही मस्त लग रही है अपनी गाड़ी भाई, थोड़ी गंदी हो चुकी है गाड़ी, क्योंकि हम यार लास्ट टाइम इसको ग्राउंड वाले जगह पे ले गए थे जहाँ पे मिट्टी विट्टी बहुत है। बाकी चलो ठीक है, अभी है ना हम ना गाइस सुबह ही चेक करेंगे उन कार्स को, क्योंकि भाई अभी कोई भरोसा नहीं उन बंदों ने कैसा काम कर रहा है। सुबह उठ के देखेंगे आराम से, एक आधी कमी देखेंगे भाई निकलती है तो। चलो ठीक है, घर पे आ चुके हैं, एंड खाना वाना हमने रास्ते में ही खा लिया था, मतलब लेस्टर के घर पे ही खा लिया था। अभी बस एक जूस का गिलास पीते हैं और चुपचाप सोने के लिए चलते हैं। और भाई अभी कोई काम नहीं करना, अभी कल सुबह अपने बहुत सारे काम है भाई। हमें आइलैंड भी देखने जाना है जहाँ पे एल रूबे का फ़ोन है, वहाँ पे कौन एल रूबे की जगह लेके बैठ गया भाई, वो टेंशन हो रही है। एंड अपने को भाई कल सुबह जो आप लोगों ने बोला कि वो गाड़ियों को लेके आओ, तो वो भी लेके आनी है। एंड भाई फ्रैंकलिन को भी बेचारे को अभी जेल से लेके आना है यार, बेचारा बहुत सजा भुगत चुका है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, बट अभी बहुत हो गया भाई, बंदा सही में बहुत गुस्से में होगा यार, अभी तक माइकल आया नहीं है ये वो। चलो उसको समझा लेंगे कि भाई तूने मर्डर किया था यार, ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी कि भाई तू मर्डर करेगा और बोलेगा कि माइकल बचा लेगा, ऐसी बात नहीं है ना भाई। तो चलो ठीक है, अभी हमने कपड़े पहन लिए घर वाले, मतलब बेड वाले, फटाफट से सोने चलते हैं, एंड सुबह उठने के बाद भाई अपने काम करते हैं। चलो यार गाइस, अभी फटाफट से चलते हैं सोने, गुड नाइट। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। एंड भाई साहब सुबह बाहर तो मस्त वाली सुबह, आज धूप वूप निकली है। चलो ठीक है, आज ना काफ़ी टाइम से ना हमने गाइस कोट पैंट नहीं पहना भाई, बढ़िया तरीके से ना आज एक काम करते हैं, कोट पैंट पहनते हैं भाई। देखते हैं अपने पास कौन से कोट पैंट हैं, ब्लैक कलर का या फिर ये पहनते हैं। चलो भाई आज ना ये वाले कपड़े पहनते हैं जो कि मेरे को बहुत सही लग रहे हैं। चलो गाइस ठीक है, ग्लासेस लगा के हमने ये कपड़े पहन लिए हैं। अभी गाइस ठीक है यार, अभी हमें जाना है सिमियन के पास, और सिमियन के पास से हमें एक लेना है ट्रक एंड ट्रेलर। ट्रक एंड ट्रेलर को लेके जाएंगे हम सीधा बंकर में, और बंकर से हम काफी सारी गाड़ियां लोड करके अपने पास लेके आएंगे, अपने शोरूम में रखेंगे भाई। अपने शोरूम की अभी वैल्यू बढ़ने वाली है जब भाई बॉग नहीं हो रहे उस रेंज रोवर, और भी देखेंगे भाई वहां पे कोई कार अपने ढंग की होगी
तो उसको भी ले लेंगे। बाकी देखते हैं वहां पे जाके ही हमें पता चलने वाला है कि आखिरकार वहां पे सीन क्या है और चीज क्या है। चलो ठीक है, अभी फटाफट से चलते हैं बाहर। लेकिन गाइज उससे पहले ना हम अपनी सारी की सारी गाड़ियों को निहार लेते हैं एक बार ही। भाई साहब अब तो अपने पास काफी सारी गाड़ियां हो चुकी है। ये है अपने मर्सिडीज, ये है अपने बुगाटी अटलांटिक, एंड फटाफट से हम हमारी ना वो वाली कार्स के पास चलते हैं भाई जो मैकेनिक ने सही करी भी थी या फिर नहीं। ओके, ये है अपने लिम्बोर्गिनी रेसिंग कार एडिशन और ये है अपने मैक्लेरन रेसिंग कार एडिशन। भाई अपने पास ना अब मस्त मस्त दो कार्स भी हो चुकी हैं जो कि एक नंबर है। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी मैं आज ये वाली गाड़ी चलाऊं, बट अगर सिमियन के पास हम लेके जाएंगे ये गाड़ी एंड सिमियन को थोड़ा सा भी लालच आ गया ना तो गलत सीन ना हो जाए। बाकी गाइस मुझे यार कब फटाफट से कमेंट करके बताओ यार मुझे ये सारी गाड़ियां रखनी कहाँ चाहिए, क्योंकि भाई अपने एक ही घर में छः छः गाड़ियां रखना थोड़ा मुझे सेफ नहीं लग रहा, मुझे बताओ यार। और प्राइवेट पार्किंग में भी यार अभी मुझे सेफ नहीं लगा, क्योंकि लास्ट टाइम भाई प्राइवेट पार्किंग से हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, आप लोग को पता ही होगा। तो क्या करूं यार मुझे अभी, आप लोग बताओ। हाँ भाई प्राइवेट पार्किंग को हम लॉक तो करके रख सकते हैं, बट चलो ठीक है भाई प्राइवेट पार्किंग ना भाई मेरा मन नहीं कर रहा। जब से यार हमारी गाड़ी चोरी हुई थी ना प्राइवेट पार्किंग से, तो मेरा मन नहीं कर रहा भाई प्राइवेट पार्किंग पे अभी गाड़ी रखने का। मेरा मन करता है कि या तो उसको सेल कर दूं या वैसे ही रख ही रखूं उस जगह को, कभी ना कभी काम आ जाएगी। बट यार गाड़ियां रखने के लिए अभी वो सेफ नहीं है जगह, अब मेरी पता नहीं। बाकी आप लोग बताओ यार अभी हमें क्या करना चाहिए। भाई करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्राइवेट पार्किंग में सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, बट अभी आप लोग बताओ यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। बाकी चलो गाइस गाड़ी चेक कर रहे हो, भैंस की टांग क्या ही गाड़ी है भाई, देख रहे हो यार कैसे आग छोड़ रही है गाड़ी तो। भाई चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यार गाड़ी तो एक नंबर है। चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी इतनी दूर इधर उधर की बातें नहीं करते भाई, बहुत सारे काम है तो अभी हम टेंशन लेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अभी एक काम करते सिमियन के पास चलते हैं, उसको ये गाड़ी को ना कहीं अलग तरीके से पार्क कर देंगे, कहीं अलग ही छुपा देंगे इस गाड़ी को ताकि किसी को पता ना चले। बाकी ठीक है भाई गाड़ी तो भाई साहब एक नंबर है। तो चलो यार गाइस अभी अपनी गाड़ी भगाता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा निकलते सिमियन के पास। और सिमियन के पास से हमें लेना है एक ट्रक एंड ट्रेलर। और उससे पहले गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मेंशन पे, और यहाँ से ना मुझे लेसर को साथ में लेके जाना है, क्योंकि भाई आप लोग को पता ही है भाई लेसर को बुलाना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब लेसर अपने साथ चलेगा ना तो भाई हम वो आइलैंड वाला भी काम कर लें। क्यों ही भाई मुझे दोबारा से यहाँ पे लेस्टर को उठाने आना है, इसीलिए इससे बढ़िया यही है कि लेस्टर को अपने साथ ही ले लेते हैं। और भाई ट्रेवर एंड लेस्टर ऊपर ही होंगे भाई, कहाँ है यार ये। अबे भैंस की टांग सुबह के 9 बज चुके हैं, क्या अभी तक सो रहे हैं भाई, सब कुछ ही मतलब क्या ही पागल है भाई ये लोग दोनों। ये देखो भाई ये भी यहाँ पे अभी भी सो रहा है, चलो इसको तो सोने देते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओए बुड्ढे तू उठ भैंस की टांग, अबे मेरी आवाज सुन के उठा के बेड पे उठा बैठा है। चलो यार गाइस ठीक है यार, अभी मेरी जो है ना भाई लेसर से बात हो चुकी है, लेसर बोल रहा है चलो ठीक है अब हमें अभी जाना तो है ही, सारे काम भी करने हैं। लेसर बोल रहा है कि मैं तो उठ ही गया था भाई, वैसे ही बेड पे चढ़ा हुआ बैठा था भाई, बच्चों की तरह यार बेड पे चढ़ के बैठा हुआ है बंदा। चलो ठीक है भाई हम चलते अभी सीधा बाहर, एंड लेसर बोल रहा है कि बस वो 2 मिनट में आ रहा है, तब तक हम उसका बाहर ही वेट करते हैं। बाकी चलो ठीक है यार, अभी भाई हमें ये घर तो अपना वापस मिल चुका है, धीरे धीरे हम भी इस घर में रहने लग जाएंगे। पहले हमें फ्रैंकलिन को लेके आना है, फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर एंड लेसर तीनों इस घर पे रहा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी फिर तो। चलो यार वेट करते हैं भाई ये कब आता है लेसर यार। चलो गाइस यार वेट करते हैं, ओके लेसर भी आ चुका है। चल भाई लेसर फटाफट से बैठ गाड़ी के अंदर, एंड चलो यार हमें अभी काम करने हैं बहुत सारे। पहले तो उस बंकर में जाके हम गाड़ियां लेके आते हैं, क्योंकि भाई हमारे जो व्यूअर्स है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा मान गए थे कि हमने वहां पे गाड़ियां छोड़ दी। लेसर पागल है क्या बुड्ढे भाई, तूने गाड़ियां क्यों छोड़ने दी मुझे यार, क्या यार सारे व्यूअर्स गुस्सा होकर बैठ गए मेरे से। चलो गाइस ठीक है यार, चलो गाइस यार अभी इधर की बातें नहीं करते, मैं अपनी गाड़ी भगाता हूं और सीधा निकलता हूं सिमियन के शोरूम के लिए। तो फटाफट से गाइस उनके नाम लेते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम सबसे बढ़िया कमेंट्स करे थे। थर्ड नंबर पे जेके गेमर, जिन्होंने भाई सब थर्ड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। सेकंड नंबर पे एक्सप्रो यश, जिन्होंने सेकंड नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। फर्स्ट नंबर पे डेविल गेमिंग, जिन्होंने भाई साहब फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया कमेंट करा था। तो गाइस आप लोग भी ऐसे कमेंट करते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है प्यारा सा शाउट आउट। फटाफट से जाओ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, जितने भी मेरे फेक अकाउंट है ना आप लोगों ने उनके 10,000 फॉलोअर करवा रखे हैं, और भाई मेरे 50,000 नहीं करवा रहे यार। फटाफट से जाओ गाइस मुझे फॉलो कर लो, और मैं वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, बातें भी करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन कमेंट एंड पिन चैट में मिल जाएगा। चलो गाइस यार ठीक है यार, मैं अपनी गाड़ी को भगाता गाइस पहुंचने वाला हूं सिमियन के शोरूम पे। और बस की भाई साहब इसने तो पूरा मेला लगा रखा अपने शोरूम में यार, फैंस की भाई असली कमाई तो ये बंदा कर रहा है। चलो ठीक है एक काम करते हैं, सिमियन के ना शोरूम के पीछे ही अपनी जो गाड़ी है ना उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम जो है वो पार्क कर देते हैं, ताकि भाई सिमियन को बोल देते हैं भाई चोरी वोरी ना हो जाए, गाड़ी तेरी जिम्मेवारी है इसकी पूरी।
चलो ठीक है, यहाँ से तो भाई क्या ही गाड़ी चोरी होगी, फटाफट से हम यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और फटाफट से भाई अंदर जाके ना सिमियन से मिलके आते हैं एंड सिमियन को बोलेंगे भाई ट्रक एंड ट्रेलर दे दे, मुझे गाड़ियाँ लेके आनी है। भाई यार ये बढ़िया भाई, शोरूम होने के बाद ना ट्रक एंड ट्रेलर होना चाहिए, खुद के पास भी ट्रक एंड ट्रेलर होगा ना गाइस, तभी जो बंदा है ना वो अपना शोरूम बढ़िया चला पाता है, क्योंकि भाई गाड़ियाँ इधर उधर लेके आनी होती है। भाई कौन शूटिंग कर रहा है यहाँ पे यार, शूटिंग सेंटर है। चलो छोड़ो अभी हमें क्या लेना था, हमें जाना सीधा अंदर की तरफ। और भाई साहब इधर क्या, अंदर खुशियाँ मनाई जा रही है, फैंस की टांग भाई, किसी का बर्थडे बर्थडे होगा अंदर, खुशियाँ वशियाँ मनाई जा रही है या फिर किसी को गाड़ी डिलीवरी कर दी होगी। चलो ठीक है भाई अंदर देखो भाई साहब, क्या ही मस्त मस्त गाड़ी रखी हुई हैं, बट हाँ भाई थोड़ी गंदी वंदी हो गई हैं, पता नहीं बंदा भाई सफाई वफाई नहीं करवाता। चलो ठीक है यहाँ पे तो सब कुछ ओके है, अबे हमें जाना है सिमियन को मिलने के लिए, सिमियन का ऑफिस जो है ना वो ये वाला है। चलो इधर चलते हैं अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे तो भाई साहब सिमियन है ही नहीं। अबे यार उधर सिमियन नहीं है तो फिर कहीं सिमियन कहाँ मिलेगा यार हमें, एक सेकेंड, एक ये ऑफिस है इसमें चेक कर लेते हैं, शायद इसमें होगा सिमियन। ओके ये रहा सिमियन भाई, इससे बात करते हैं फटाफट से। ऑल राइट गाइस सिमियन मान चुका है, सिमियन बोल रहा है भाई ये भी कोई बड़ी बात है यार, कहने वाली बात है। अबे लेफ्ट साइड हटना फैंस की, अबे यार क्या सामने सामने आ रहा है, और ये कह रहा है कि भाई ये भी कोई कहने की बात है यार, तुमने मेरा हमेशा बुरे वक्त में साथ दिया है, भाई तुम्हारा ट्रक एंड ट्रेलर तुम ले जाओ यार। चलो ठीक है भाई सिमियन, चलो ठीक है गाइस, अभी सिमियन तो मान चुका है हमें ट्रक एंड ट्रेलर देने में। ओ भाई यहाँ पे भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और यहाँ पे गाड़ियों की मरम्मत चल रही है, और भैंस की टांग ये शूटिंग वूटिंग कौन कर रहा है यार। चलो ठीक है यार अभी हमें क्या लेना देना बाकी ना गाइस, एक चीज बताऊं भाई, जब बंदे के पास शोरूम हो ना तो ये वाला ट्रक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई, क्योंकि यार आप ना ये वाले ट्रक से ना छोटी मोटी गाड़ियां डिलीवर कर सकते हो। काश ये ट्रक मेरे पास भी होता यार सिमियन। चल भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी हमें ये वाला ट्रक एंड ट्रेलर लेके जाना है एंड इसको लेके हम चलते हैं गाइस। भाई साहब अभी यार हमारा जो काम है ना वो आसान हो जाएगा। ये रहा सिमियन, यहीं पे खड़ा हो गया भाई, बेचारा हमारी बातें तो सुन रहा था यार। गाइस मैंने सिमियन के सामने ही बोल दिया, काश हमारे पास भी ऐसा ट्रक होता, भाई बंदे ने सुन तो लिया था, बट चलो छोड़ो यार हमें उससे क्या ही उम्मीद रखनी बाकी। यहाँ से भाई भिड़ना नहीं चाहिए, बच गया भाई बच गया। चलो ठीक है भाई अभी उधर की बातें नहीं करते, शायद इसमें भिड़ जाएगा भाई। अब यार हाँ भिड़ेगा भाई, भिड़ेगा भिड़ेगा, शायद भिड़ जाएगा या फिर निकल जाएगा। भाई क्या ही पुल बना रखे है यार यहाँ पे, भाई कितनी मुश्किल से निकालनी पड़ रही है गाड़ी। चलो ठीक है यार अभी हमें बंकर पे जाना है, और जो जो भी गाड़ियाँ आप लोगों ने लास्ट टाइम बोला था ना भाई उठाने के लिए, वो तो उठाएंगे उठाएंगे, और भी अगर इधर उधर की गाड़ियाँ मिल गई तो वो भी उठा लेंगे। ये रहा भाई रेड लाइन शोरूम, जो सालों पहले हमारा हुआ करता था, बंदे ने अभी तक शोरूम खोला ही नहीं है भाई, बंद करके रखा हुआ है। चलो ठीक है, चलो गाइस यार अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, अपने ट्रक को भगाते सीधा निकलते हैं बंकर की तरफ। All right guys, यार मैं अपने ट्रक को भगाता भगाता गाइस पहुंच चुका हूं उसी बंकर के पास, और भाई साहब ये कंफर्म होना चाहिए कि बंकर खुला ही होगा। ओके हाँ भाई बंकर तो खुला ही है भाई, किस्मत अपनी अच्छी है कि बंकर अभी खुला ही है, तो उस बंकर के अंदर से भाई अभी गाड़ियां लेके आ जाएंगे भाई, जो जिस टाइम मुझे लग रहा है बंदे बंदे मारे थे ना वैसा ही खुला होगा बंकर ये। चलो ठीक है भाई सीधा चलते हैं बंकर के अंदर एंड भाई गाड़ियां देख के आते हैं कौन कौन सी है। भाई तू लेसर तू जाएगा मेरे साथ या फिर क्या करेगा भाई, तू ही बता यार मेरे को, तो फिर वही हम काम करते हैं। चलो ठीक है गाइस यार अभी तो लेसर भाई यहां पे ठहरेगा, हम अंदर जाके ना भाई देख के आते हैं कौन कौन सी कार हमें अच्छी लगती है या फिर कौन कौन सी कार हमें लेके आनी चाहिए। भाई साहब क्या ही भाई ये बंकर अभी किसी काम का नहीं रहा यार, खत्म हो चुका है भाई ये बंकर, अब मतलब हमने बंदे मार दिए और ये बंकर अभी पूरा खत्म है। और ये देखो भाई जैसे हमने मार के गए थे ना बंदे वैसे के वैसे ही, एक सेकेंड ये एनिमल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई। चलो ठीक है गाइस यार अभी बंकर किसी काम आए ना आए, बट ये एनिमल्स के काम जरूर आ जाएगा बेचारे भाई, इतने ठंड में ना बेचारे ये यहाँ पे अपना आराम से रह सकते हैं भाई, इतनी ठंड भी तो पड़ती है। गाइस आप लोग भी यार एनिमल्स के बारे में सोचा करो भाई, ये बहुत ज्यादा मासूम होते हैं यार। चलो ठीक है भाई अभी इनको यहाँ पे जगह मिल गई, अपना यहाँ पे रहे भाई कोई बात नहीं, तुम अपनी गैंग्स इकट्ठी करो भाई, एनिमल्स यहाँ पे रहो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खुला है तुम लोगों के लिए, अंदर जाना आराम से घूमना वूमना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलो गाइस ठीक है अभी भाई पहली तो ये रेंज रोवर है जिसको हमें रखना है, एंड रेंज रोवर को पहले बाहर लेके चलते हैं, और उसके बाद ना भाई मुझे लग रहा है वो लिमोजिन के अंदर ना वेपन्स लगे हुए हैं। एक सेकंड मैं दोबारा आके देखता हूँ, पहले इसको ऊपर छोड़ के आता हूँ, उसके बाद ना भाई मैं लिमोजिन देखता हूँ, अगर उसके ऊपर वेपन लगे हो तो हमारे किसी काम की नहीं है, या फिर काम की भी है या फिर नहीं भी काम की। चलो भाई पहली भाई सब रेंज रोवर तो आ ही चुकी है, अभी फटाफट से अंदर चलते हैं, पहले लिमोजिन को चेक करते हैं भाई, वो लिमोजिन
यार मैं अगर गन वाली रखूंगा ना तो भाई शायद हो सकता है पुलिस की कभी रेड वेड हो गई ना अपने शोरूम में तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जाओ तो फिर इनको लेके जाओ और हाथों हाथ बेच दो किसी माफिया वाफिया को, तो क्योंकि अपने किसी काम की नहीं है भाई। हमारे अगर काम की सोचो ना तो भाई ये तो ऐसे है कि फिर मैं पीछे बैठूं एंड ट्रेवर ये गाड़ी भगाए और भाई मैं पीछे से सबको मारूं, या तो फिर इसी काम आएगी भाई। अभी भाई हमें अभी ना कोई दुश्मनी वुश्मनी नहीं चाहिए यार, तो एक काम करते हैं इनको रख ही लेते हैं भाई। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, सारी की सारी गाड़ियों को ना पहले ऊपर ले चलते हैं, देन उसके बाद ना एक काम करेंगे जो जो गाड़ी अपने ट्रेलर पे आ जाएंगी उन्हीं को लेके जाएंगे। क्योंकि भाई देखो ये जो रेंज रोवर है ना, अगर मैं उनको दो को ही रख दूंगा ना तो ये तीन गाड़ियों की जगह खींच लेगी। तो है तो ये मस्त बट फिर भी भाई चलो ठीक है भाई देखा जाएगा यार। फटाफट से ना पहले मैं सारी गाड़ियों को ना ऊपर लेके आता हूँ। चलो यार गाइस ठीक है यार, बाकी मैं पांच गाड़ियां, एक दो तीन चार पांच गाड़ियां ऊपर लेके आ चुका हूँ। अभी नीचे रहेगा ये लैम्बोर्गिनी उरुस भाई, फटाफट से उसको भी ले आते हैं। एंड सारी की सारी गाड़ियां मैं कैसे लेके जाऊंगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं भाई अगर पांच गाड़ियां, बाकी देखते हैं यार प्लान बनाते हैं ऊपर जाके। ये है लास्ट लैम्बोर्गिनी उरुस। बाकी एनिमल्स भाई तुम लोग यहीं पे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा एंड समझो तुम्हारी ही जगह है। बाकी चलो अभी अगर हमें इन फ्यूचर अगर इस बंकर की जरूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। एंड लेस्टर बोल रहे हैं कि अगर हम इस बंकर को अपना बनाना चाहते तो उस लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, पर वो बंदा अभी मर चुका है और उसका लैपटॉप हमें पता ही नहीं है भाई कहाँ है। अगर उसका लैपटॉप हमारे हाथ लग जाए फिर तो हम इसके बंकर का दरवाज़ा ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। बाकी चलो ठीक है भाई अभी तो उधर की बातें नहीं करते हैं। अरे फटाफट से ना मुझे यहाँ पे प्लान बनाना होगा कि हम कौन कौन सी गाड़ी लेके जाए। पहले तो अपनी रेंज रोवर तो डन ही है भाई, लैम्बोर्गिनी उरुस भी डन है। मेरा ना भाई मन इसमें नहीं कर रहा लिमोजिन में। एंड एक सेकेंड यार मैं लिमोजिन का एक बार ना गन चेक करना चाहता हूँ। चलो बैठ गया मैं, अभी ना काम करते हैं। ओके ऊपर भी आ गया एंड भाई काम करती है, भाई काम करती है। गाइस सोचो एक बंदा गाड़ी चलाएगा और मैं पीछे बैठ के सबको मारूंगा, बट ये ना हम अपने घर पे नहीं रख सकते भाई, फैमिली वाले ना भाई नाक में दम कर देंगे। ये गाड़ी हम अपने घर पे तो नहीं रख सकते भाई, ये तो कंफर्म है, बट ये शोरूम में रख के इनको सेल कर सकते हैं। अपने यूज के लिए सही नहीं है भाई गाड़ी, इनको सेल करते हैं। बाकी मैं इनको अभी पहले शोरूम में लेके चलता हूँ, आप लोग बताना इसका हमें क्या करना है। पर अभी हमें क्या करना है कि पहले भाई अपनी गाड़ियां लोड करते हैं, कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। पहले तो मैं इसके रैंप नीचे करता हूँ। ओके रैंप नीचे हो चुका है, अभी एक काम करते हैं फटाफट से ना पहले अपनी जो है रेंज रोवर को ऊपर चढ़ाते हैं। भाई रेंज रोवर सबसे ज़्यादा जरूरी गाड़ी है, रेंज रोवर और लैम्बोर्गिनी उरुस भाई ये सबसे ज़्यादा जरूरी कार्स है। बाकी तो भाई कोई इतनी बढ़िया कार्स नहीं है, ये कार्स जो है ना वो अच्छा खासा अमाउंट देके जाएगी। हाँ बाकी लिमोजिन भी अच्छा खासा पैसा देके जाएगी अगर कोई माफिया इसको खरीदे। चलो ठीक है गाइस अभी मुझे ना ढंग ढंग से ना इन गाड़ियों को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, थोड़े स्क्रैचेस आ जाएंगे, हम मैकेनिक रखेंगे ना भाई वो ठीक कर देगा। चार चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। चलो गाइस ठीक है यार, बड़ी मुश्किल से ना इस गाड़ी को तो मैं ऊपर लेके आ चुका हूँ। बाकी भाई पूरा ढंग से गाड़ी तो थोड़ी मोटे थोड़ी जो टायर्स है ना वो थोड़े बाहर आए। बाकी चलो ठीक है इसको पहले करते हैं इधर अटैच। ऑलराइट गाइस यार पहली गाड़ी हमने ऊपर लोड कर दिया, फटाफट से लैम्बोर्गिनी उरुस को भी करते हैं भाई, वो भी बहुत मुश्किल देने वाली है। ये जो भाई एसयूवी कार्स है ना ये चौड़ी होती है तो इनको ऊपर चढ़ाना थोड़ा मुश्किल है भाई, पर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यार, ट्राई तो करते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी यार मुझे लग रहा है भाई दो कार्स यहाँ पे बच जाएंगी अगर हम, देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसे में कोई गाड़ी तो छोड़ने नहीं वाला यहाँ पे भाई। लैम्बोर्गिनी उरुस तो यार क्या ही गाड़ी है यार, रुको इसको भी ढंग ढंग से चढ़ाना पड़ेगा यार, थोड़े से स्क्रैचेस लग जाएंगे यार इसको। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो ओके गाड़ी तो भाई साहब ऊपर आ चुकी है। अभी मुझे यार रुको थोड़ी थोड़ी इधर कर लेते हैं गाड़ी को एंड ऊपर से ना फटाफट से, ओए भाई आगे भी लग गई यार चाके। चलो ठीक है इसको अटैच करते हैं। ओके गाइस यार ठीक है भाई दो गाड़ियां जो है ना वो ऊपर आ चुकी है। बाकी भाई ये थोड़ी टेढ़ी आई है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाकी अटैच तो हमने कर ली है। बाकी यार अभी मेरा प्लान क्या है ना कि यहाँ पे लिमोजिन तो नहीं आने वाली, बाकी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ एक बार। मुझे इतना पता है कि यहाँ पे लिमोजिन तो आने नहीं वाली, मतलब यार गाइस इतना तो कंफर्म है अगर हम लिमोजिन लेके जाएंगे ना भाई यहाँ पे दो गाड़ियां रह जाएगी, क्योंकि भाई नीचे की जो जगह है ना वो दो लिमोजिन ही खींच लेगी यार, नहीं आने वाली भाई, कंफर्म है नहीं आने वाली। क्या करूं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मेरे भाई यार ये तो इतनी बकवास कार है ना यार, इसको तो लेके जाने का भी मन नहीं कर रहा। बाकी चलो ठीक है, जिसको लो राइडर कार्स का अच्छा लगता है, जो गैंग के लोग होते हैं ना उनको लो राइडर कार अच्छी लगती है भाई, तो उनके लिए रख लेते हैं। मतलब यार मैं अपना शोरूम नहीं चला रहा हूं, मैं माफिया और गैंग्स के बारे में ही सोच रहा हूं। चलो ठीक है भाई कोई ना यार, इसको भी करते हैं फटाफट से लोड। गाइस अभी एक ना प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, मैंने गाड़ियां तो ऊपर चढ़ा दी बट ये गाड़ी चढ़ाने के बाद ना भाई ये बंद नहीं होगा,
अबे यार ये क्या पंगा ले लिया यार मैंने। अगर हम अभी दो लिमोजिन नीचे खड़ी करते हैं ना तो भाई दोनों लिमोजिन यहाँ पे जगह घेर लेगी। अब मेरा प्लान पता क्या है, मैंने पता क्या सोचा है कि हम क्या करते हैं, मैं लेस्टर को बोलता हूँ तुम ये लिमोजिन चला के लेके आओ और मैं ये दोनों गाड़ियों को ना भाई ऊपर चढ़ा लेता हूँ और ये वाली लिमोजिन को ना भाई लेस्टर चला के अपने पीछे पीछे आ जाएगा। मुझे ये वाला प्लान बिल्कुल सही लगा। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट से इन गाड़ियों को भी ना इधर लोड कर लेते हैं। चलो गाइस ठीक है यार, बाकी नीचे वाली गाड़ियां भी आ चुकी है। अभी ये लिमोजिन भाई बिल्कुल सही तरीके से आ जाए अंदर। ओके आ चुकी है। ओके 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 भाई थोड़ी सी ऊपर स्क्रैचेस लग रहे, कोई ना कोई ना कोई ना भाई इनको घर जाके ना बढ़िया तरीके से बढ़िया मॉडिफाई मतलब बढ़िया तरीके से इनको रिपेयर करवा लेंगे। चलो यार। चलो गाइस ठीक है यार, बाकी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी ये बंद नहीं होगा, हमें घसीटते हुए लेके जाने पड़ेगी भाई, थोड़ा थोड़ा घसीटना पड़ेगा इसको, ये थोड़ा नीचे क्या ही बोलूं। चलो ठीक है यार, अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ पे अभी कोई गाड़ी आने की जगह तो है ही नहीं। ये सारी गाड़ियां तो हमने लोड कर ली है, बाकी ठीक है भाई फटाफट से लेस्टर उस गाड़ी के अंदर बैठ तू यार। चलो गाइस ठीक है यार, लेस्टर तो अभी वो लिमोजिन के अंदर बैठने जा रहा है। हम भाई अपने ट्रक एंड ट्रेलर के अंदर अपने ट्रक के अंदर बैठते हुए ट्रक एंड ट्रेलर को लेकर सीधा अपने शोरूम पे चलते हैं, ताकि ये वाली गाड़ियां जो है ना हम अपने शोरूम में मस्त तरीके से शोकेस कर पाए। बाकी चल ठीक है भाई, लेस्टर फटाफट से इसको पीछे कर ले। और मुझे ना भाई अभी ये बात की टेंशन हो रही है कि भाई वो जो आगे पीछे घसीटता हुआ जाएगा ना, क्या ही गलत सीन हो जाएगा यार। चलो ठीक है भाई, उसको बंद तो कर नहीं सकते। चलो यार अभी आराम आराम से ना हमें यहाँ से अपने ट्रक एंड ट्रेलर को बाहर निकालना पड़ेगा और लेस्टर भी भाई अपने पीछे आएगा। रुको रुको रुको, यहाँ से मुझे सामने जाके ना कट तो दिख रहा है ना भाई, उस कट से कट लेना पड़ेगा। रुको 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 भाई, भाई साहब ये तो पागलों की तरह चलाएंगे, मुझे ना इनसे ढंग ढंग से ना भाई रोकना पड़ेगा। अबे यार सॉरी सॉरी सॉरी, अबे रुको जा रुक जा, भैंस की ना पागल है क्या भाई साहब, क्या ही पागल लोग यहाँ पे आ रखे हैं। अबे यार लेस्टर को भी भाई मुझे अभी यार रुको यार रुको भाई, इतना बड़ा ट्रक देख के गाड़ियां देख के भी रुकते नहीं है लोग। चलो यार इसको यहाँ से लेते हैं भाई कट, और बहुत सही तरीके से हमने यहाँ से कट ले लिया। बाकी चलो ठीक है यार, और बाकी लेस्टर भी यहाँ पे अपनी लिमोजिन को लेके आ रहा है। बाकी चल अबे पागल है क्या लेस्टर यार, तू तो भाई कम से कम अकल कर ले। चलो ठीक है भाई, अभी गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा दूर तक जाना है, बहुत टाइम लगने वाला है। और लेस्टर भी भाई अपनी लिमोजिन को लेके पीछे ही आ रहा है, और गाइस पीछे देख रहे हो भाई, पीछे ना वो पूरा मतलब भाई झुलसता हुआ जा रहा है नीचे रोड पे, और आग वाग निकलती जा रही है, और लेस्टर भी पीछे। चलो यार अभी दो उधर की बातें नहीं करते, तो फटाफट से मैं अपने ट्रक को भगाता और सीधा निकलता हूँ अपने शोरूम के लिए। चलो गाइस सर मैं अपने ट्रक को लेके भाई साहब आ चुका हूँ अपने शोरूम के पास, और भाई साहब पीछे अपने लेस्टर भी आ रहा है। चलो गाइस यार ठीक है, सामने ही अपना शोरूम है, और मुझे काम करना पड़ेगा भाई अपनी ये ट्रक को लगाऊ तो लगाऊ कहाँ पे, ताकि भाई मैं ये सारी गाड़ियां नीचे उतार सकूं। और लेस्टर भाई साहब तू किधर जा रहा है भैंस की टांग, बे यार ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं को रूल फॉलो कर रहा भाई, बंदा घूम घूम के आ रहा है फिर मेरे पीछे आ रहा है। चलो ठीक है यार छोड़ो उस चीज को, अभी फटाफट से ना काम करते हैं, मैं कहां से ये लगाऊं यार, कहां से गाड़ियां निकालूं, यहां पे तो भाई पूरा जाम लग जाएगा। कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा, रुको यार। चलो गाइस ठीक है यार, लेस्टर ने तो भाई वहां पे गाड़ी लगा दी, और मेरा मन क्या कर रहा है मैं कि इसके अंदर लगा के या फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा प्लान। रुको यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो पूरा जाम लग जाएगा यार। ओके ये जगह बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे अपने ट्रक एंड ट्रेलर को लगा देते हैं। साइड हट जाओ, साइड 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 प्लीज साइड, भाई लोग सुनते ही नहीं है भाई, ये क्या पागल वागल हो रखे है क्या, थोड़ा सा तो भाई सहना पड़ेगा यार थोड़ी देर के लिए। भाई मैडम जी साइड हट जाओ, ये तो मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा। चलो गाइस ठीक है, अभी हम फटाफट से ना यहाँ पे लगाते हैं अपने ट्रक एंड ट्रेलर को, और फटाफट से ना भाई सारी सारी गाड़ियां यहाँ से अनलोड करते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड जब मैं आया ना भाई यहाँ पे, वो मेरे को सल्यूट मारने लग गए फिर से। मैंने उनको बोला भाई सल्यूट वल्यूट अंदर करो, सल्यूट मारने की जरूरत नहीं है। फटाफट से ना गाइस ये लिमोजिन को पहले निकालते हैं, पहले ये दोनों गाड़ियां नीचे निकालेंगे, उसके बाद ये नीचे करके फिर सारी गाड़ियां नीचे निकालते हैं। चलो गाइस ठीक है यार, अभी जो जो भी थोड़ी स्क्रैचेस आ रखे हैं भाई, हमें कोई बढ़िया सा कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि इन सारे गाड़ियों को रिपेयर कर देगा, एंड उसके बाद हम सेल कर देंगे। बाकी चलो ठीक है भाई, ये तो ना मैं गाड़ी सीधा आते ही ना अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करवाने वाला हूँ भाई। पहला काम ना मुझे इन गाड़ियों को लिस्ट करवाना है, क्योंकि भाई देखो यार और सिंपल कार जो है ना वो तो आराम से सेल हो जाएंगी, बट ये वाली जो कार्स है ना भाई इनको जल्दी से जल्दी सेल करना पड़ेगा, अगर पुलिस वालों ने कभी भी भाई रेड वेड कर दी ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई साहब ठीक है यार, इन गाड़ियों को ना पहले अंदर लेके चलते हैं, और जो लेस्टर ने बाहर खड़ी करी है ना गाड़ी उसको भी लेके चलते हैं। और भाई साहब जी सारे के सारे बंदे यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं, टेंशन मतलब अभी शोरूम जल्दी चलेगा, अभी तो हम चलाने तो नहीं वाले, अभी हम सिंपल यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। अबे लेस्टर पागल है यार, इससे बढ़िया इसको अंदर ही लगा देता, यहाँ पे सुट्टा फूकने लग गया भाई, इसको ना कुछ ज़्यादा ही सुट्टा फूकने की आग लगी रहती है यार। चलो ठीक है भाई, इस लिमोजिन को भी अंदर लगाते हैं बढ़िया तरीके से, और भाई बस पुलिस वुलिस वालों को पता ना चल जाए। ओए मैं भी पागल हूँ भाई, क्या कर दिया मैंने भाई, गन वाली वहां पे लगा दी मेरा।
भाई साहब देख रहे हो यार मेरा दिमाग खराब हो रखा है। रुको, गन वाले को मुझे जितना छुपा के रखना है ना उतना ही भाई मैंने जाके बाहर लगा दी है। इस बार गन वाली को ना इधर लगाता हूँ, अभी उसको उधर ही लगी रहने देते हैं, अभी किसी का ध्यान नहीं गया होगा मुझे लग रहा है गन वन के ऊपर। भाई फटाफट से ना पहले सिंपल वाली गाड़ी उधर लगाते हैं और गन वाली गाड़ी छुपा के रखते हैं। चलो गाइस यार मैं दूसरी गाड़ी भी लेके आ चुका हूँ भाई, अभी मुझे ये गाड़ी को भी ना एक काम करते हैं यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। और भाई इनका प्लीज गन के ऊपर ध्यान ना जाए, नहीं तो भाई ये पुलिस वालों को कॉल करके ना भाई रेड वेड करवा देंगे। भाई चलो ठीक है भाई, तुम बात है बस देखो भाई मेरा तमाशा देखो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ ना वो तमाशा देखते रहो वो ठीक है, बस भाई गाड़ी के ऊपर बस गन वन ना देख लियो बस तुम लोग। बाकी चलो गाइस ठीक है यार, हमने वो नीचे करके ना भाई यहाँ वहाँ से भी ये गाड़ी निकाल ली और बाकी ठीक है। अभी मुझे ना यार फटाफट से बस ये गाड़ी सारी रख दूँ अंदर यार। चलो गाइस ठीक है यार, हमने भाई सारी की सारी गाड़ियाँ जो है ना वो शोरूम में जाके रख दी है और ये वाली गाड़ी को भी हम फटाफट से शोरूम में जाके सजा देते हैं। और जो गन वाली गाड़ी है ना भाई साहब पहले तो उसको साइड करते हैं, नहीं तो भाई किसी ने अगर कंप्लेंट कर दी ना तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अभी रेंज रोवर को हम यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। भाई साहब क्या ही मस्त लग रही है अपनी रेंज रोवर। फटाफट से एक काम करते हैं, पहले तो इस गाड़ी को मैं साइड हटाता हूँ और इस गाड़ी की ना मैं फोटो लगाने वाला हूँ भाई वेबसाइट पे, ताकि भाई फटाफट से ये गाड़ियाँ बस बिक जाए, उसके लिए हमें बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है इस गाड़ी को ना भाई मैं काम करता हूँ। ओए यार थोड़ा स्क्रैच आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है अपना मैकेनिक देख लेगा, मैकेनिक का भी कुछ करते हैं भाई। चलो इस गाड़ी को ना भाई यहाँ पे लगा देते हैं और बाकी की गाड़ियाँ मैंने लगा दी यहाँ पे। ये सस्ती वाली गाड़ी यहाँ पे रख दी है एंड लैम्बोर्गिनी उरुस मैंने यहाँ पे रख दी है और रेंज रोवर मैंने यहाँ पे रख दिया। बाकी चलो ठीक है अभी मैं काम करता हूँ, फटाफट से ना इन गाड़ियों की ना फोटोज ले लेता हूँ पहले तो। ऑलराइट गाइस फोटो वोटो सब कुछ क्लिक हो चुका, बाकी ये मैंने दोनों फोटोज ना अपने लाइफ इन्वेटर के ऑफिस वाले बंदे को सेंड कर दिया। उसको मैंने बोल दिया कि भाई साहब इनको ना भाई बिकवा दे यार जल्दी जल्दी, मतलब बढ़िया सी फोटोज डाल दे और थोड़ा टॉप पे रखना ताकि किसी माफिया वाफिया की भाई नजर पड़े और वो इन गाड़ियों को खरीद ही ले। चलो ठीक है अभी फटाफट से ट्रक पे बैठते हैं। चलो ठीक है गाइस यार अभी इस ट्रक एंड ट्रेलर को ना फटाफट से बाहर निकालते और सिमियन के पास चलते हैं। ये देखो भाई ये है भाई बुरे हाल इनके लॉस सैंटोस के, और भैंस की टांग अब जाओ मरो भैंस की टांग तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो भाई निकाल लिया हमने भाई ये मरने वाले काम करते हैं। आजा भाई लेस्टर फटाफट से बैठ यार इसके अंदर, और भैंस की तेरी भाई बंदे ने लेस्टर के इतनी जोर से गाड़ी बजाई, रुक 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 तेरी ऐसी की तैसी, तू नहीं बचने वाला मेरे से। बाकी यार ठीक है यार क्यों ही भाई गंद डालना यार, छोड़ो यार कोई ना लेस्टर सही है भाई। चल भाई लेस्टर फटाफट से बैठो और हमें जाना है सिमियन के शोरूम पे, इस ट्रक को वापस करके आते हैं बेचारे को यार। चल भाई बैठ फटाफट से अंदर। ओके गाइस यार मैं अपने ट्रक को लेके भाई आ चुका हूँ सिमियन के शोरूम पे और भाई उसी हिसाब से ना हम ट्रक को जो है ना वो ढंग से ना लगा देते हैं। रुको 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 भाई बहुत ज़्यादा यार, बहुत जगह कम है भाई, कैसे है यार ये मैनेज करता हुआ सिमियन यार, इतनी इसके भीड़ रहती है, इसको इतना नहीं है कि भाई अपने शोरूम को अपडेट करवा ले। बाकी चलो ठीक है बे यार लग ना जाए कहीं। चलो गाइस ठीक है यार अभी भाई सिमियन जैसे भी करके इसको निकाल लेगा। फटाफट से सिमियन को भाई बता देते हैं कि भाई सिमियन मैंने भाई तेरे को ट्रक एंड ट्रेलर ला के दे दिया है और भाई तू अपना देख लेना वो भाई, बाकी ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई सिमियन को बता देते हैं फटाफट से। भाई साहब भाई साहब भाई साहब सिमियन बोल रहा है कि भाई तूने मुझे बताया ही नहीं, तूने अपना शोरूम खोल लिया और भाई पार्टी ना देनी पड़े। अबे सिमियन यार टेंशन मत ले, पार्टी देनी है मुझे, मुझे अपना नया जो मेरा घर बन के आया ना उसकी भी पार्टी देनी है और इस शोरूम की भी पार्टी देनी है भाई, बस थोड़ा टाइम रुक जा यार, थोड़े पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ, माना घर में पार्टी रखूंगा, अपने घर पे भी पार्टी रखनी है मुझे एंड भाई साहब मुझे शोरूम की भी पार्टी देनी है, टेंशन मत ले। और सिमियन कह रहा है मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है, और गिफ्ट पता क्या है, गिफ्ट ये है गाइस मैं इसके सामने बात कर रहा था ना कि भाई काश हमारे पास ये वाला ट्रक होता कि हम गाड़ियां डिलीवर करनी आसान हो जाती। बंदा बोल रहा है कि ये ट्रक आज से तुम्हारा हुआ, भैंस की टांग बंदे ने मुझे फ्री में ये ट्रक ही दे दिया, कह रहा है कि भाई तुम ले जाओ अपने शोरूम में गाड़ियां वाड़ियां सेल करो और अगर कोई हेल्प की जरूरत होती तो मुझे बताना। भाई साहब क्या ही बंदे का खुला दिल है यार, भाई कभी मान सकते हो यार किसी बंदे ने ऐसे ही भाई हमें ट्रक दे दिया, मतलब इसको नीचे करना है कोई गाड़ी चढ़ानी है ऊपर चढ़ा के देन उसके बाद हम इसको ऐसे करके अपना सेटअप कर सकते हैं। भाई साहब आज तो यार दिन क्या ही बढ़िया निकला, गाड़ियां भी फ्री में मिल गई गाइस, आज का तो क्या ही दिन निकला भाई। पर जो भी ये हुआ है ना सिर्फ आप लोगों के कारण हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे ना बताया होता कि उस बंकर में से गाड़ियां लेके आओ तो मैं गाड़ियां भी ना लेके आता एंड गाड़ियां नहीं लेके आते तो भाई हमें ये ट्रक भी फ्री में ना मिलता। भाई थैंक यू सो मच गाइस यार, थैंक यू सो मच यार मजा ही आ गया भाई। आप लोगों ने गालियां निकाली, वो गालियां मेरे लिए देखो भाई कैसे भाई अपने बेनिफिट में बदल गई। तो चलो गाइस 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 एक गलती हो गई। अबे यार भैंस की टांग मेरा क्या ही दिमाग है भाई, मैं इस ट्रक एंड ट्रेलर को तो लेके आ चुका हूँ बट अपनी लैम्बोर्गिनी रेसिंग कार एडिशन तो वहीं पे रह गई। भाई उसको भी उठाते यार फटाफट से। चलो ठीक है भाई मैं आ चुका हूँ
और फटाफट से ना भाई इसको लगाते साइड पे एंड अपनी लिम्बोर्गिनी रेसिंग कार एडिशन को लेके आते हैं। पहले इसको उतारो नीचे और इसके अंदर अभी अपनी लिम्बोर्गिनी लेके जाएंगे भाई अपने शोरूम के पास। आ जा भाई लेसर, काम ही खत्म होने पे नहीं आ रहे भाई। चलो गाइस ठीक है यार, हमने अपनी लिम्बोर्गिनी रेसिंग कार एडिशन को ऊपर ही खड़ा कर दिया है और ये भाई ट्रक की जो है ना वो मुहूर्त भी हो चुका है भाई। मतलब यार पहली ही गाड़ी हमने अपनी ही चढ़ा ली। चलो ठीक है भाई, इधर की बातें नहीं करते, फटाफट से इस ट्रक को लेकर सीधा निकलते हैं अपने शोरूम के लिए। चलो गाइस ठीक है यार, अभी हम आ चुके हैं, बट एक प्रॉब्लम है, हम इसको अंदर नहीं लगा सकते एंड मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया। भैंस की टांग भाई, मुझे ना इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है भाई, ये जानबूझ के जो आगे पीछे रहते हैं। बाकी मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया कि भाई ये जो गली है ना इसको भाई परमानेंट बंदी करवा दे, अभी यहाँ से कोई ना आएगा ना जाएगा। अब इधर हम अगर ट्रक एंड ट्रेलर कल को खरीदेंगे ना तो वो भी हम इधर ही रखेंगे अपना भाई, अभी हमारा ट्रक जो है वो इधर ही रहेगा। बाकी सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है जैसा सर आप बोलो वैसे ही करेंगे, बाकी अगर कोई चौड़ा वोड़ा होगा ना, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया भाई गन दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो ठीक है, अभी अपनी रेसिंग कार एडिशन को नीचे निकालते हैं। ऑल राइट गाइस, चलो भाई नीचे उतार लिया हमने अपनी गाड़ी, फटाफट से बैठ ले सर और सीधा निकलते हैं भाई अपने जो काम है ना वो करने हैं सारे भाई। हमें उस आइलैंड पे भी जाना है और भी क्या ही बोलूं यार आप लोगों को। चलो यार बाकी ना गाइस, गाड़ी बहुत मस्त है भाई, देख रहे हो यार कैसे भागती है। बट भाई थोड़ा सा आगे यार ये ठुकी गाड़ी भाई, ठुकी ओके, बट गाड़ी को तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, गाड़ी ठुकी तो है बट कुछ हुआ नहीं है, भागती भाई साहब बहुत मस्त है। और ये कार ना भाई यहाँ पे भगाने लायक ही नहीं है यार, नहीं तो भाई देखो भाई कितनी तंग तंग गलियां, ये तो भाई पूरी रेसिंग में भागेगी और पूरी फुल स्पीड में पागलों की तरह भागेगी। इसके लिए एक बार तो मुझे रेसिंग चेक करनी है और उसके बाद हमें आइलैंड पे जाने के लिए भाई पहले अपना तैयारी करनी है। बाकी गाइस मैंने जो कपड़े खरीदे थे ना भाई वो हमने अपनी गाड़ी में ही रख लिए थे, सुबह ला के मैंने गाड़ी में रख लिए थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम कपड़े ले पहन के चले जाएंगे, वो तो कोई चलो बात नहीं है। बाकी भाई गाड़ी तो एक नंबर है यार, सही में बता रहा हूँ गाइस, आप लोग बताओ यार गाड़ी कैसी लगी। बाकी चलो ठीक है, हम मैं लेसर से बात करता हूँ और आगे की प्लानिंग करते हैं भाई, आगे करना है तो करना क्या है फिर। अभी ना गाइस यार हम ना चलते जा रहे थे और मुझे ना भाई लेसर बोल रहा है कि भाई हम उस आइलैंड पे आखिरकार जाएंगे तो जाएंगे कैसे, बट मैंने इसको बोला भाई जाएंगे कैसे मतलब तू बता, ये कह रहा है कि वो जो आइलैंड है ना वो समुंदर के बीचों बीच है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ का इंतजाम करना पड़ेगा जिससे हम समुंदर के बीचों बीच, जैसे बोट वोट का इंतजाम करना पड़ेगा, डिंगी वगैरह का, जिससे हम उस पर बैठ के उस आइलैंड पे जा सके, क्योंकि भाई जो वो आइलैंड है ना लॉस सेंटोस से उस आइलैंड पे जाने के लिए कोई सरफेस एरिया ही नहीं है भाई, सब जगह पानी ही पानी है। तो भाई साहब अभी हमें जो बोट है ना वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी मुझे लेसर बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ना एक बोट्स का शोरूम है, अगर हम उनसे बात कर लेते हैं कि हमें बोट तो नहीं चाहिए, आप हमें बोट ना रेंट पे दे दो, हम अपना काम करके बोट आपको वापस कर देंगे। गाइस आगे से राइट साइड जाके ना काफी सारे बोट्स के डीलरशिप है और वहां पे जाके हम उनसे बात कर लेते हैं कि आप हमें बोट रेंट पे दे दो, उसका आप कुछ सर्टन अमाउंट ले लो। एक सेकेंड, यहाँ से जो है ना गाइस शिप्स की बोट्स की सबकी डीलरशिप स्टार्ट हो जाती है और भाई साहब इधर से ना हम एक काम करते हैं किसी बढ़िया शोरूम पे चलते हैं, और ये एक ना बहुत सही शोरूम है, इनसे बात करके देख लेते हैं कि आखिरकार क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमें गाड़ी कैसे हमें बोट या शिप कोई रेंट पे मिल सकती है। आ जा भाई लेसर फटाफट से, और एक सेकंड लेसर भाई बीच में बैठेगा गाड़ी के यार। चलो ठीक है भाई, लेसर बोल रहा है कि तुम खुद ही डील वील करके आ जाओ, बात बात करके आ जाओ। भैंस की टांग भाई साहब, बोट्स देख रहे हो सामने मुझे ना गाइस, एक ऐसी बोट देखने को मिल रही है जिसके अंदर वेपन लगे हुए हैं, और भाई इधर भी इनके पास अच्छी अच्छी बोट्स हैं, शिप्स हैं, और सामने भाई एक बोट डूबी पड़ी है। ओके ऊपर आ गई, भैंस की टांग कितनी बड़ी है भाई। ओके चलो ठीक है भाई, इधर जाके देखते हैं। ओके इधर भी काफी सारी बोट्स एंड शिप्स खड़ी हैं। चलो ठीक है भाई, अभी हमें यहाँ पे देखना नहीं है, सीधे चलते शोरूम के अंदर एंड इनसे बात करके देख लेते हैं भाई आखिरकार तुम कितने का लगाओगे ये जो है क्या एंड कितना रेंट लोगे। भाई अंदर जाके ना फटाफट से इस बंदे से बात करते हैं। एक सेकंड, एक बंदा आ तो रहा है भाई, आई थिंक ना गाइस ये शोरूम का सेल्स मैनेजर है और ये हमें ना भाई यहाँ पे बोट्स वोट्स दिखाएगा। ओके गाइस ये कह रहा है कि आप इनमें से कुछ चेक कर लो। भाई यार इस शोरूम में भी काफी सारी भीड़ है भाई, पहले तो मुझे ना शोरूम एक्सप्लोर करने दो। ओके यहाँ पे भी काफी लोग खड़े हैं, रुको यार सर मुझे शोरूम एक्सप्लोर करने दो, मुझे पता तो चले आप लोग सही इंसान हो या फिर गलत इंसान हो। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे बंदे बंदे तो आते हैं भाई, मैंने सुना था कार शोरूम में प्रॉफिट है भाई, बट भाई इधर बोट शोरूम में भी काफी सारे लोग खड़े हैं जो बोट्स खरीदने आए हैं। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी फटाफट से ना एक काम करते हैं, सीधा नीचे चलते हैं और उस बंदे से बात करते हैं भाई, मुझे देखते हैं भाई कौन कौन सी ओ भाई ये तो पूरी लग्जरी बोट है और जिसके अंदर वेपन लगे हुए जो हमने बाहर देखी थी। ओके ठीक है भाई,
तो हम ना इससे गाइज एक बार रेंट के बारे में बात करके देखते हैं। यार गाइज मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है और ये बंदा साफ साफ बोल रहा है कि हम ये ऐसे रेंट वेंट पे देते नहीं है, सीधा ही हम मतलब जो भी है आप हमसे परचेज करो और बात खत्म करो। यार इस बंदे को समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे रेंट पे चाहिए, भाई तू क्या करूं मैं कैसे करूं मुझे बताओ यार, इससे ना भाई दोबारा से जाके बात करता हूं यार एक बारी। ओके गाइस ये बंदा मान तो चुका है और ये कह रहा है कि हम आप पे इसीलिए ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपकी ये वाली कार है ना ये काफी ज्यादा लग्जरी लग रही है, आप एक काम करो आप ये कार हमारे पास छोड़ जाओ एंड उसके बाद जब आप बोट यूज करके हमें वापस कर दोगे ना एंड उसके बाद हम जो बोट का रेंट है वो हम आपसे ले लेंगे, देन उसके बाद आप अपनी कार को वापस लेके जा सकते हो। यार गाइस इस पे थोड़ा सा तो रिस्क है बट इस पे भाई अपना फायदा भी है क्योंकि हमें दूसरे आइलैंड पे भी जाना है। बाकी ये बंदा कह रहा है कि यहाँ पे ना काफी सारे बोट पड़े हैं, आप उनमें काफी सारे शिप्स एंड बोट्स पड़े हैं, आप उसमें से कोई ट्राई कर लो जो भी आपको पसंद आए। रुको यार एक काम करते हैं गाइज, इधर तो मुझे इतने अच्छे लगे नहीं है। भैया यार मुझे एक काम करो, मुझे इनमें से बताओ यार कौन सी बोट जो है वो मेरे लिए सही रहेगी यार भैया। और भाई साहब एक चीज देख रहे हो सामने, भाई सामने जो है ना इन्होंने भाई पता क्या कर रखा है, इन्होंने लॉक कर रखा है कि यहाँ से कोई बोट वोट चोरी ही ना करके भाग सके। देखो भाई सारा बंद पड़ा है पानी एंड वो चीज लगा रखी है। चलो भाई अभी देखते हैं ये हमारे लिए खोलेंगे तो खोलेंगे कैसे। चलो भैया अभी दिखाओ यार मुझे फटाफट से। यार गाइज एक सेकंड भाई मुझे ना वो जो लास्ट में छोटी छोटी बोट दिख रही है ना मुझे उनमें से सही लग रही है क्योंकि वो अपने हिसाब से भी ठीक है, इतने बड़े बड़े शिप क्या ही लेके जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ वो छोटे वाली ही लेके चलता हूँ। एंड गाइज अभी ना मुझे लेसर ये भी बोल रहा है कि ये जो बोट है ना हमें यहाँ से लेके नहीं जानी, और गाइज मुझे लेसर बोल रहा है कि हमें ना इनसे बोट लेके जानी पड़ेगी, उसको ना हमें इस ट्रक में लेके लोड करके कहीं और लेके जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जो रास्ता है ना वो पलीटो की तरफ से निकलता है उस आइलैंड का। तो भाई साहब हम पानी में अगर अकेली बोट में जाएंगे ना तो बोट का जो है भाई फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर हम बीचों बीच खड़े हो जाएंगे। तो हमें इनसे ये भी बात करनी है कि भैया आप हमें एक ट्रक भी दे दो साथ में, तो मान जाएगा यार बंदा इतना तो कर ही देगा भाई। लोग आते ही होंगे यार जिनको अपने घर पे इसको लेके जाना होगा, जरूरी थोड़ी है हर कोई भाई समुद्रों में ही चलाता है। बाकी ठीक है एक काम करता हूँ भाई, मुझे सेंटर वाली ज्यादा बढ़िया लगी, उसका कलर भी अच्छा है एंड भाई देखने में भी अच्छी है। ठीक है भाई इसकी ना टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, और इन्होंने ना भाई ये सब टेस्ट ड्राइव के लिए रखी हुई है, और मुझे ना भाई सामने का गेट देखना है भाई ये खुलता कैसे है, मुझे लग रहा है इन्होंने ऑटोमेटिक लगा रखा होगा। चलो भाई एक बार ना देख के आता हूँ, और मुझे ना ये पसंद बहुत आई है भाई। चलो ओ भाई पूरा यहाँ पे इन्होंने मतलब ऑटोमेटिक कर रखा है इस गेट को, और भाई जैसे हम पास आए वैसे ही ये गेट खुला, और जैसे ही मैं दूर गया और गेट जो है वो बंद हो चुका है। भाई चलो ठीक है इसको फाइनल करते हैं एंड इससे बात करके ना हम ये वाली जो है ना बोट फाइनल करते हैं एंड अपने रेंट पे इसको लेके चलते हैं भाई। चलो भाई ठीक है अभी हम आ चुके हैं अंदर की तरफ एंड भैया इनसे ही बात करते हैं और देखते हैं भाई ये वाली बोट को हम लेके चलते हैं, इसका नाम लाइफ गार्ड लॉस सैंटोस बीच वाली। चलो अभी चलो इनसे बात करते हैं यार फटाफट से भैया से। ऑल राइट गाइस बंदा जो है ना कह रहा है कि मैं अपने मैनेजर से बात करके बता देता हूँ कि आप इस बोट को ट्रक के जरिए लेके जा सकते हो या फिर नहीं, पर ये कह रहा है कि आपसे रेंट ज्यादा लिया जाएगा। अबे भाई रेंट की टेंशन मत ले, अभी मुझे आइलैंड पे पता करके आना कि वहाँ पे हेल रूवी की जगह किसने ले ली है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मिशन है, रेंट इतना मायने नहीं रखता भाई। ओके गाइस मेरी जो है ना भाई इस बंदे से बात हो चुकी है, बंदा कह रहा है कि आप आराम से शोरूम में बैठो, हम आपकी जो ये बोट है ना इसको रेडी करते हैं और आपकी जो कार है हम अपनी पार्किंग में खड़ी कर लेते हैं। और भाई साहब इस बंदे को कार की लगी पड़ी है। चलो ठीक है अभी हमारी डील जो है वो डन हो चुकी है, इनसे हम बढ़िया तरीके से अपनी बोट लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद तो भाई हमें पलीटो की तरफ जाके उस ट्रक को रोकना है। भाई बहुत सारे काम है वो बाद में करते हैं, पहले भाई ये जो पेपर वर्क है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं यार फटाफट से। ऑल राइट गाइज हमने सारे पेपर वर्क उस मैडम के साथ कर लिए हैं, बाकी उस बंदे की वेट करनी है कब वो बंदा आता है, शायद आ चुका है भाई बंदा। ओके और भाई ये कह रहा है कि आपका सब कुछ रेडी है, सर बताओ मुझे कहाँ आपने रेडी वेडी करा है, मुझे सब दिखा दो बस एक बारी, देन उसके बाद हम अपने काम के लिए निकले भाई, और ये कार अभी हमें यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके गाइस यार बंदा कह रहा है मुझे फॉलो करो मैं आपको दिखाता हूँ। ओ भाई ये घड़ी है भाई वो मतलब बोट एंड ट्रक, भाई बंदे ने ट्रक का इंतजाम कर दिया, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस यार भाई मैंने तो भाई इस बंदे को थैंक यू बोल दिया भाई, तुमने इतना मुश्किल काम जो है वो मेरा आसान कर दिया है। चलो यार अभी लेसर बैठ फटाफट से इस ट्रक के अंदर और यहाँ से हम निकलते हैं। बाकी चलो गाइस ठीक है अभी लेसर भी आके बैठ चुका है, भाई साहब अब तो आने वाला है मजा यार, हम उस आइलैंड पे जाने वाले हैं। और भाई काफी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि उस आइलैंड पे कैसे जाएंगे इतना दिमाग दौड़ा रहे थे हम, बट यार लेसर हो तो भाई किस बात की कमी यार, लेसर का दिमाग भाई यार क्या ही बोलो यार, इसका बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। और बंदे ने भाई साहब एक कार तो हमारी डेंजर जोन में डाल दी है, बट हाँ भाई
जो सबसे बड़ा काम था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, हमें बोट मिल चुकी है। अब इस बोट को लेके मैं सीधा निकलता हूँ भाई पलीटो की तरफ, और पलीटो की तरफ हम इस बोट को इस ट्रक से नीचे उतारेंगे, देन उसके बाद भाई मैं निकल जाऊंगा उस आइलैंड को देखने के लिए। भाई मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि आखिरकार उस आइलैंड पे ऐसा क्या चल रहा है भाई, एल रूबी की जगह किसने ले लिया और एल रूबी का फोन कौन यूज कर रहा है भाई। अगर उस जगह पे डगन बॉस हुआ ना भाई, सही में बता रहा हूँ भाई, जो हालत करने वाला है ना डगन बॉस उसके बाद लॉस सैंटोस की, भाई कोई भी नहीं बचा सकता। चलो यार ठीक है, अभी बातें बहुत हो चुकी है बेकार की, फटाफट से निकलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से निकलते हैं पलीटो की तरफ। ऑल राइट गाइज, यार हम ना भाई अपने ट्रक को भगाते भगाते पहुंच चुके हैं भाई पलीटो की तरफ, और अभी अभी मेरी लेसर से बात हुई है। लेसर मेरे को बोल रहा है कि भाई वो जो आइलैंड है ना वो हमें पड़ेगा, मैं आप लोग को गूगल मैप से भी दिखाता हूँ। यार गाइस हमें ना सीधा सीधा यहाँ से जाना, ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना भाई, यहाँ से हमें जो है अपने ट्रक से बोट को निकालना है और सीधा इधर जाके थोड़ा आगे जाके ना वो जो आइलैंड है वो मिलेगा हमें। चलो ठीक है भाई, हम इधर उधर की बातें नहीं करते क्योंकि भाई अभी काम बहुत सारे हैं, एंड भाई वो आइलैंड पे कंफर्म करना है कि एल रूबी हो या फिर एल रूबी की जगह किसी और ने ले ली या फिर डगन बॉस ने ले लिया। भाई देखो गाइस, देखो यार डगन बॉस के लिए तो मैं भाई 2% ही श्योर हूँ, क्योंकि भाई देखो सिर्फ लेसर के बोलने पे ही, क्योंकि भाई जो लेसर है ना वो शुरू से ही डगन बॉस को पसंद नहीं करता है, तो भाई हर छोटी चीज़ में ना ये डगन बॉस घुसेड़ देता है। बाकी जैसे ये देखा जाए ना भाई, एल रूबी और डगन बॉस की किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़िया दोस्ती हुआ करती थी, क्या पता भाई ये भी हो सकता है, कंफर्म हो सकता है कि हाँ हम लेसर की ये बात को भी भाई मान सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भाई उनकी पहले दोस्ती हुआ करती थी ना, क्या पता भाई डगन बॉस को माफिया बनने की चाहत इतनी लगी हो। बच गया, सब कुछ बच गया भाई, क्या पता डगन बॉस को माफिया बनने की चाहत इतनी लगी हो कि वो बंदा भी एल रूबी की जगह लेके बैठ गया। अब तो भाई वहीं पे जाके पता चलेगा। चलो गाइस हम पलीटो की तरफ आ चुके हैं, अभी फटाफट से उसी जगह पे पहुंचते हैं पहले तो। ओके गाइस, यार हम अपने ट्रक को ना भाई ये गांव के बीच बीच में लेके आ चुके हैं भाई, अभी मैं पीछे से ना अपनी जो बोट है उसको निकालना है, और बोट तो हम इधर से भी निकाल सकते हैं, क्यों ही भाई उधर अपने ट्रक को लेके जाना और फंसाना। बट एक चीज का फायदा है, लेसर बोल रहा है कि बट गाइस एक चीज का फायदा भी अगर हम ये ट्रक जो है वो उधर लेके जाए, एंड उस जगह से ना हमें अपनी बोट को निकालना आसान रहेगा। चलो ठीक है गाइस, अभी भाई बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं। चलो ठीक है गाइस, यार बड़ी मुश्किल से ना भाई मैं इसको लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी फटाफट से ना इसको पीछे करके लगाते हैं एंड अपनी बोट को ना भाई इधर से निकालते हैं बाहर और फिर निकलते हैं भाई। मुझे पीछे करके ना इसको लगाना पड़ेगा, फिर आइलैंड की तरफ जाना है, बहुत सारे काम है भाई। चलो ठीक है भाई, इसको खोलते हैं, अब इसको करते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से हम अपनी बोट को आराम से ले जाएंगे। ऑल राइट गाइज, यार ठीक है भाई, पूरे पानी के बीच में हमने ट्रक लगा दिया, और अभी जो ये बोट है ना इसको निकालते हैं बाहर। चल भाई लेसर, करता हूँ मैं इसको बाहर की तरफ। ओके गाइज, हम जो है ना भाई अपनी बोट को बाहर लेके आ चुके हैं, और गाइस लेसर बोल रहा है कि जब तुम पास में इधर आ जाओ ना, मतलब लॉस सैंटोस में वापस आओ, तो मुझे कॉल कर देना, मैं ये ट्रक लेके वापस आ जाऊंगा। बाकी मैंने लेसर को बोल दिया भाई तू ट्रक लेके यहाँ से निकल जा, एंड जब भी मैं वापस आ जाऊँ ना मैं तेरे को एक कॉल कर दूंगा आने से पहले, तो तब ना भाई ये ट्रक लेके आ जाना। चलो ठीक है गाइस, अभी लेसर जो है ना भाई उस ट्रक को लेके चला गया, अभी ना हम अपने इस बोट को लेके सीधा निकलते हैं उसी आइलैंड पे, और भाई मुझे देखना है कि आखिरकार उस जगह पे कौन भाई राज करने वाला है, कौन लॉस सैंटोस में वेपन्स भेज रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, आज सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। तो चलो यार गाइस, अभी ये बहुत दूर है आइलैंड, अभी फटाफट से निकलते हैं उसी आइलैंड के लिए। चलो गाइस, यार मैं अपनी बोट को लेके भाई पहुंचने वाला उसी जगह पे, और गाइस एक गलती हो गई थी मेरे से, आप लोगों को बताऊं भाई, मैं ना भाई ये अपना सूट, भाई मैं सिक्योरिटी वाले कपड़े लाने भूल गया था, मैं वापस गया, फिर मैंने लेसर कॉल किया भाई, वो ट्रक में आया, उसके बाद मैंने कपड़े निकाले, उसके बाद मैं दोबारा से भाई इधर आया, फिर मैंने सोचा यार आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो तो मैं ये चीज को स्किप कर देता हूँ। चलो ठीक है भाई, हम पहुंच चुके हैं, और बैस की टंग भाई यहाँ पे तो बहुत बहुत बड़ी एक शिप खड़ी है। चलो ठीक है भाई साहब, अभी इधर उधर कुछ बातों छोड़ो, अभी ये रहा वो आइलैंड जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है, अभी मुझे अपनी बोट को ना भाई साहब यहीं पे कहीं पे पार्क करना पड़ेगा, और मुझे ना फटाफट से ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, और वेट, अबे यार भाई क्या हो रहा है यार, ये बारिश के कारण ना इतनी ज्यादा लहरें तेज चल रही है ना, क्या ही बताऊं। चलो गाइस ठीक है, अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, फटाफट से ना यहाँ पे भाई पहले तो कपड़े चेंज करता हूँ, कोई देख वेख तो नहीं रहा ना भाई। चलो गाइस ठीक है यार, हमने ना भाई यहाँ से जो है ना ये वाले कपड़े पहन लिए हैं, और भाई साहब मैंने अपने कपड़े उतार के यहाँ पे रख दिया, और अभी ये छोड़ो कपड़े, अभी लास्ट अभी जब यहाँ से निकलना है ना तो फिर हम यही वाले कपड़े पहन के निकल जाएंगे यहाँ से। और ये खड़ी अपनी बोट जो के पानी के बीचों बीच जा चुकी है, कोई बात नहीं यार बाद में ढूंढ लेंगे भाई इसको, और बंदे ना भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं,
मुझे ना एक सेकंड भाई यहाँ से ना थोड़ा डंग से जाना पड़ेगा। एक सेकंड ये तो बहुत ढिलान नीचे भाई साहब नीचे गिरा रही है यार मेरे को रुको। ओके गाइस यार हम इधर आ चुके हैं भाई साहब। अभी ये कोई बंदे ना मेरे ऊपर शक तो नहीं करेंगे क्योंकि भाई अगर लेस्टर ने कपड़ों का इंतजाम करवा के दिया ना तो भाई बिल्कुल सही कपड़े का इंतजाम किया होगा। हाँ बिल्कुल। तो भाई साहब अभी मुझे ये चेक करना है कि आखिरकार इस बोट में से आ क्या क्या रहा है भाई। रुको हाँ भाई इस सिक्योरिटी वाले ने मुझे कुछ नहीं कहा, नहीं तो भाई ये सिक्योरिटी वाला अभी मुझसे पूछ लेता। पैस के टांग इतनी बड़ी बोट में सिर्फ वेपन्स मंगवाए जा रहे हैं। रुकियो जरा ये क्या भाई कोई केमिकल वेमिकल मंगवाए जा रहे हैं। वे कहाँ से आ रहा है सामान भाई, कौन सी कंट्री से आ रहा है और इतनी बड़ी शिप, कितने ही कंटेनर है भाई। इन कंटेनर्स में आखिरकार क्या ही क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कंटेनर ही कंटेनर है भाई। भाई ये कुछ बहुत खतरनाक चीज होने वाली है भाई, लॉस सेंटोस में कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है अभी कुछ। ये देखो भाई कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड एंड काफी सारे बंदे बंदे हैं और यहाँ पे भी गाइस वेपन्स ही वेपन्स। और मैं अपने साथ बिल्कुल ठीक है भाई अपने साथ वेपन्स लेके आया हूँ। और यहाँ पे देख रहे हो भाई ये वाले को भाई सामने तो ब्लैक ऑप्स के बंदे हैं। रुकियो जरा अपनी बाइनोक्युलर्स निकालता हूँ और ये देख रहे हो भाई बंदे तैयार किए जा रहे हैं और सामने है ब्लैक ऑप्स के बंदे। भाई साहब क्या हो रहा है, एक तो बारिश भी कौन से टाइम की पड़ने लग गई भाई, बारिश के कारण ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो बारिश के कारण तो गाइस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी ठीक है मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर तो आ चुका हूँ। और भाई साहब आप लोग लिटरली देख रहे हो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ी चीज चल रही है भाई यार, ऊपर से जंप ही कर दिया। चलो ठीक है भाई अभी ये शिप में से तो जो सामान आ रहा है वो आ रहा है, बाकी मुझे आइलैंड पे देखने दो आखिरकार चल क्या रहा है। भाई नीचे उतरते हैं फटाफट से एंड भाई सब यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है। और भाई इतना भागने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भाई अपने ऊपर शक करेंगे ये लोग आखिरकार ये बंदा कर तो कर क्या रहा है। ओ भाई यहाँ पे हर एक बंदे के पास मिनी गन पकड़ा के रखी हुई है एंड भाई सब यहाँ पे गाइस देख रहे हो भाई ये तो क्या ही बड़े तगड़े तगड़े फाइटर प्लेन है भाई हाइड्रा टाइप के। चलो ठीक है गाइस एक काम करते हैं अभी ना भाई फटाफट से ना ऊपर जाके तो देखते हैं पहले, तो रुको मुझे यहाँ पे पहले एक्सप्लोर करने दो भाई आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मिसाइल्स ही मिसाइल्स पड़े हैं भाई साहब ये हो क्या रहा है भाई। रुको एक काम करता हूँ थोड़ा ना भाई ऊपर चल के देखते हैं भाई ऊपर भी इन्होंने बना रखा है। हाँ भाई ऊपर भी बना रखा है क्योंकि भाई लोग चढ़े हुए हैं ना ऊपर, तो उसी को देख के मुझे लग रहा है कि ऊपर भी इन्होंने बना रखा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, वेट यहाँ पे भी भाई कंटेनर ही कंटेनर उतर रहे हैं और केमिकल्स पता नहीं किस चीज के केमिकल उतर रहे हैं भाई। ये केमिकल्स किस चीज के यार, मुझे कम से कम ये तो देखने तो कोई वायरस तो नहीं फैलाने वाले भाई ये लॉस सेंटोस में। पैसा देख रहे हो पैस की टांग कैसे रखा हुआ है। रुको यार मुझे ऐसी टेंशन हो रही है कि ये कोई वायरस फैलाने की ट्राई तो नहीं कर रहे भाई। ओके ऊपर जाके तो भाई यहाँ से कंटेनर उतारे जा रहे हैं और यहाँ पे कंटेनर रखे जा रहे हैं। चलो ठीक है गाइस यार अब एक काम करते हैं फटाफट से ना पहले ऊपर जाके ट्राई करके आते हैं ऊपर क्या है। चलो गाइस ठीक है मैं भगता भाई इधर की तरफ आ चुका और इधर क्या कुछ है, यहाँ पे भी काफी सारे केमिकल्स पड़े हैं। एक सेकंड रुकियो यहाँ पे भी काफी सारे वेपन्स पड़े और काफी सारा पैसा जो के पूरा भीग चुका है। पानी देख रहे हो पैसे के ऊपर पानी वानी देखो भाई कैसे आ रहा है। चलो ठीक है भाई इनको क्या है, भैंस की टंग गोल्ड कलर की मिनी गन भैंस की। भाई साहब ये क्या करने का सोच रहे हैं यार, है कौन इसके पीछे भाई। गाइस यार अभी ऊपर जाने का मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और यहाँ पे देखो भाई इंजन विंजन बांधे जा रहे हैं भाई। यहाँ पे ना गाइस कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है भाई, मैं सही में बता रहा हूँ भाई। मुझे डरना चाहिए या फिर नहीं भाई, प्लीज पक्का डरना चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए। ये केमिकल्स जो है ना या तो ये लॉस सेंटोस में वायरस फैलाना चाहते हैं और मिसाइल्स। भैंस की टांग भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है लॉस सेंटोस में। मैं जितना इस चीजों से बचता जा रहा हूँ ना, अब मुझे देख के लग रहा है कि लॉस सेंटोस में कुछ बहुत 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 ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को बोलने के लिए। ओके यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। चलो ठीक है भाई यहाँ से अपन ऊपर जाके भी देखते हैं आखिरकार ये कर तो कर क्या रहे हैं और इस चीजों के पीछे आखिरकार हाथ किसका है, डगन बॉस का या फिर एल रूबियो के किसी भाई भाई का, भाई देखना है। चलो मैं ऊपर तो आ चुका हूँ। ओके तो चलो ठीक है भाई अभी मुझे यहाँ का एरिया एक्सप्लोर करना है। और भैंस की टांग कितना बड़ा हेलीकॉप्टर खड़ा है और ये किसको बुला रहा है भाई, मतलब यहाँ से जो शिप आ रही होंगी ना भाई ये उनको ऐसे इशारे करते होंगे। चलो ठीक है अभी मुझे रुको यार ऊपर देखने दो। ओके भाई साहब अब से ध्यान रखना है, अगर कभी हमारे ऊपर अटैक हुआ ना तो भाई साहब यही अपने ऊपर अटैक करेगा। देख रहे हो भाई कैसे मिसाइल और ये मिनी गन लगा रखी है भाई ये ब्लैक ऑप्स के लोगों ने। भाई साहब वो बंदा देखो भाई सामने कैसे एन बैठा है भाई चिल करता हुआ। भाई तू चिल करके बैठा और इधर मेरी फटी पड़ी है। चलो ठीक है भाई इधर एक काम करते नीचे उतरते पहले तो। और भाई इनका ऑफिस वोफिस कहाँ है यार, जो भाई रुकियो
एक सेकेंड, ये कंटेनर के बीचों, एक सेकेंड, टेस्टर ने मुझे ऐसे ही कपड़े पहनाए हैं ना, यहाँ पे क्या चल रहा है? और कंटेनर्स को देखियो बंद करके रखा हुआ है ये पूरी जगह को, भाई यहाँ पे कुछ बहुत खतरनाक चीज चल रही है, मुझे ये देखनी है, पहले मुझे इन जगह को पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर और करने दो, रुको। ओके, हम यहाँ से ऊपर चढ़ के आए हैं, और ऊपर क्या है भाई, एक सेकंड ऊपर भी देख के आने दो, उसके बाद देखते हैं भाई। ओके, ऊपर भी कुछ हेलीकॉप्टर ही पड़ा है, और तो कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो इतनी बारिश हो रही है फिर भी भाई, यहाँ इतनी बारिश हो रही है फिर भी ये ब्लैक ऑप्स के लोग खड़े हैं भाई। चलो ठीक है भाई, यहाँ से करते हैं जंप, नीचे चलते हैं। एंड भाई यहाँ पे भाई देख रहे हो भाई, खुद ही बिजली बना रहे हो खुद ही भाई इन्होंने। ये ना आइलैंड मुझे नहीं लग रहा भाई आजकल में बना होगा, ये आइलैंड बहुत पुराना होगा, और ये सिर्फ लेस्टर को आजकल में पता चला क्योंकि भाई फोन का दिक्कत हुआ है। एक सेकेंड, उधर क्या चल रहा है? सामने भी कुछ चल तो रहा है भाई, इधर भी ब्लैक ऑप्स के लोग खड़े हैं, और सामने देखे भाई मेरे जैसे कपड़े पहने हुए ना इन लोगों ने। एक सेकेंड अंदर जाके देखते हैं, नो ट्रांसपेरेंसी कुछ करके लिखा हुआ है। रुको, अबे खुल भाई, खुल ही नहीं रहा। ओके खुला, टेररिस्ट खड़े हैं यहाँ पे, और यही सेम टू सेम टेररिस्ट। रुको यार, यही सेम टू सेम टेररिस्ट उस गेमिंग स्टेशन के अंदर भी थे। रुकिए जरा अंदर जाके देखने दो भाई। गाइस ये क्या बना रहे हैं यार, अगर किसी को पता है ना भाई जरूर बताना ये बना क्या रहे हैं। ये देखो भाई बंदे ने सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के रखे हुए हैं भाई। यहाँ पे मिनी गन्स पड़े हैं, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार यहाँ पे बन क्या रहा है। सारा पानी में भीग रहा है, गिल्ला हो रहा है, और भाई इनको कोई परवाह ही नहीं है। यहाँ पे इनका मैप की ना मैं एक फोटो ले लूं ताकि मैं लेसर को दिखा सकूं, लेसर भाई सब समझ जाएगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, ये जो मैप पड़ा है ना इसकी मैं ना इधर को लेके फोटो ले लेता हूँ, और लैपटॉप की भी बीच में फोटो ले लेते हैं ताकि भाई पता चल जाए लेसर को ना, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ना मैं अभी के अभी सेंड करता हूँ। ऑल राइट गाइज, मैंने जो है ना फोटो सेंड कर दी, और ये भाई बॉम्ब देखने में क्या लग रहा है आप लोग बताओ यार कमेंट करके। भाई देखो केमिकल्स है ना भाई यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे करे जा रहे हैं, उसके बाद ये मशीन केमिकल्स का कुछ बना रही है, और सामने ये क्या बन रहा है कुछ पता नहीं है, और केमिकल्स है ये मिसाइल बना रहे हैं भाई यहाँ पे, मतलब मिसाइल वेपन्स वगैरह बन रहे हैं। चलो हम उधर से आए थे, अब इधर चलते हैं। चलो भाई ये तो टेररिस्ट बैठे, अबे खुलना यार तेरी ऐसी जैसी खुलना। चलो भाई ठीक है, और वेट यहाँ पे टेररिस्ट आग सेक रहा है भाई, इतनी बारिश में खड़े हो के आग कौन सेकता है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और सामने ऊपर देख रहे हो ये सामने ऊपर स्नाइपर का बन रखा है, कोई भी नज़दीक आएगा ना बंदा तो ये उधर से ही बंदे को ख़त्म कर देंगे। चलो अभी ऊपर जाके, अगर मैं ऊपर जाऊँ ना तो भाई मुझे ऊपर से पूरा व्यू मिल सकता है आखिरकार ये आइलैंड पे हो क्या रहा है, और ऑफिस कहाँ है वो भी मुझे पता चल जाएगा, और यहाँ पे ये भी एक शिप आ रही है। चलो ठीक है, एक बार ना मैं ऊपर चलता हूँ पहले तो। ओके यहाँ से हम ऊपर आए, एंड उसके बाद ना मुझे यहाँ से जाना है और ऊपर, और ये है भाई स्नाइपर एरिया, और बंदा यहाँ पे खड़ा है पूरी स्नाइपर एंड काफी सारे तगड़े तगड़े वेपन्स लेके, भैंस की टांग। और अभी मुझे यहाँ से देखना है कि आखिरकार चल क्या रहा। सामने ऑफिस है भाई, सामने ही ऑफिस है यार, मेरे को तो ध्यान में ही नहीं पड़ा। और ऊपर ये देख लो भाई आइलैंड बहुत बड़ा है। चलो ठीक है भाई, अभी ऑफिस डिस्कवर हो चुका है जो काम के लिए हम ऊपर आए थे, फटाफट से ऑफिस पे चलते हैं। चलो भाई अभी यहाँ से चलते हैं नीचे, फटाफट से नीचे उतरते हैं, और भाई साहब अभी देखते हैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ओके ये तो भाई टेररिस्ट एंड ब्लैक ऑप्स भाई, ये लोग बहुत खतरनाक है यार। चलो ठीक है भाई, अभी हमें ऑफिस तो डिस्कवर हो चुका है, अभी फटाफट से पहले ऑफिस पे चलते हैं और ऑफिस पे देख के आते हैं भाई आखिरकार इनका क्या प्लान है। अबे ये भी तो जगह देखनी है भाई, ये जगह भी मुझे देखनी है यार, पहले मैं ये जगह देखता हूँ फिर ऑफिस में चलते हैं, क्योंकि भाई देखो ये जगह पे ना मेरे जैसे ही लोग कुछ ज़्यादा ही हैं, और मुझे भाई देखना है आखिरकार ये जगह पे क्या चल रहा है। रुको यहाँ से हम ना धीरे धीरे नीचे उतरने की ट्राई करते हैं, और चलो भाई नीचे उतर गए हैं। और वेट ये रहे काफ़ी सारे कंटेनर, पहले तो कंटेनर के ऊपर चढ़ता हूँ मैं। ओके कंटेनर के ऊपर आ चुका हूँ। ओके गाइज मैं इस कंटेनर पे भी आ चुका हूँ अभी ना फटाफट से ना, इन्होंने ना भाई पता क्या कर रखा है, हर जगह पे कंटेनर ही कंटेनर रखे ना, ये सारी जगह बंद करके रखी हुई है, और यहाँ पे ना वेपन्स आ रहे हैं बंदा चेक कर रहा है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे सीक्रेट वेपन्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हैं। ओके चलो मैं इसमें से बाहर तो आ चुका हूँ, और ये रही वो जगह जहाँ पे भाई पता नहीं क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है भैंस की टांग, मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों लग रहा है भाई ये ऐसा ही कुछ ऊपर भी था ऐसा ही कुछ नीचे भी है। मैं ना लेस्टर को इसकी फोटो भेजता हूँ भाई, लेस्टर ही बता सकता है कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। रुको इसकी भी खींची फोटो, एंड फटाफट से भेजते हैं लेस्टर को। भाई ये मैं सब कुछ ना लेस्टर को भेजता जा रहा हूँ, और यहाँ पे ये गाइस ये है मिसाइल्स काफ़ी सारे, और वो बंदा पता नहीं क्या ही बना रहा है। रुकियो जरा उस बंदे को देखना है मुझे भाई। गाइस यार आप लोग बताओ यार ये क्या हो क्या रहा है। चलो ठीक है अभी हमने इन बंदों को तो देख लिया, यहाँ पे ना ये बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये देखो भाई
ये बंदा भी कुछ बना रहा है, ट्राई कर रहा है। रुको यार, एक काम करूं मैं इधर से नीचे जाने का ट्राई करूं। चलो गाइज मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूं। और भाई इनका रास्ता देख रहे हो, कंटेनर में से रास्ता बना रखा है ऐसे करके अंदर जाने का। भाई ये इतनी ज्यादा सीक्रेट जगह बना रखी है ना कि किसी को पता ही नहीं चले। मतलब गेट देख रहे हो भाई, या तो एक ये गेट बना रखा है या तो ये गेट बना रखा है। और यहाँ पे भाई सब चल रहा है पूरा इनका काम। भाई ये बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये इसके पीछे कौन है। अभी टाइम आ चुका है उसी ऑफिस में जाने का। भाई चलो यार यहाँ से निकलते हैं पहले बाहर की तरफ, एंड अभी चलते हैं सीधा उस ऑफिस पे बाहर। चलो गाइस ठीक है यार, मैं भगता भगता भाई इधर की तरफ आ चुका हूँ। अभी मुझे फटाफट से जाना है और सामने है भाई ऑफिस। अभी फटाफट से ऑफिस के अंदर जाके देखते हैं। भाई टाइम आ चुका है उस बंदे को देखने का जो बंदा ये सब काम करवा रहा है। यार देखो भाई कैसे तगड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। चलो यार गाइस ठीक है यार, अभी हम अंदर तो आ चुके हैं भाई। बाकी यहाँ पे तो कुछ नहीं चल रहा, और बाकी टीवी भी चल रहा है। बाकी ठीक है भाई, बंदा सो रहा है और बाहर भाई पूरा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। जो भी बॉस रहेगा ना वो सामने से देख पा रहा होगा कि वो जो लोग हैं, वो जो इसके चमचे हैं, वो क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी चलो ठीक है भाई, अभी सीधा चलते हैं बॉस के कैबिन के अंदर। मुझे यहाँ पे देखने में अंडर वाटर माफिया तो देखने में मिल रहा है, बाकी सब कुछ अंदर जाके कंफर्म हो जाएगा। बेस की टंग, ये बंदा जिंदा है भाई, नहीं मरा ये बंदा। एक सेकंड मैं ना इसकी बातें सुनता हूँ, थोड़ा इधर को मुंह करके ना भाई इसकी सारी बातें सुनता हूँ। थोड़ा ना भाई इधर ऐसे बैठते हैं, कुछ इसकी ना बातें सुनते हैं। अब मुझे पहले यहाँ पे चेक करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ एल रूबियो आखिरकार बात क्या कर रहा है। और ये बैठा बिग माफिया सबसे बड़ा भाई, चीटर तो सबसे बड़ा ये है भाई बंदा। भाई देख रहे हो भाई एल रूबियो के साथ काम कर रहा है। और ये देखो भाई चौड़ा होके यहाँ पे अंडर वाटर माफिया बैठा, और पैसा देख रहे हो भाई, पैसे के ऊपर पैर रख के बैठा है बंदा। इतना पैसा, नीचे देखो पैसा ही पैसा, और ये देखो भाई पैसा ही पैसा। और ये भाई बैठा है बंदा, कोई एक सेकंड रुकियो, इसके ना गाइज एक ना आईडी कार्ड पहना हुआ है, रुकियो जरा। पैस की टांग FIB का ऑफिसर भाई साहब, ये एल रूबियो ना भाई क्यों मरा नहीं है भाई, मैंने उस टाइम पे इसको मार दिया था। बट गाइस आप लोग मुझे बोल के थक गए भाई, एल रूबियो जिस टाइम पे तुमने एल रूबियो के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करवाया था ना, उस टाइम पे एल रूबियो कायो पेरिको में नहीं था। आप लोग सही निकले और मैं खुद गलत निकला। मैं हर बंदे को बोलता रहा नहीं भाई एल रूबियो मर गया है, बट आज मेरे सामने भाई बंदा रियलिटी में बैठा है, ना कि उसकी आत्मा बैठी है। और ये बंदा बात क्या कर रहा है कॉल पे वो बताता हूँ। ये सबसे बड़ा चीटर है, मन कर रहा है गन निकाल के इसका सर फोड़ दूँ। बिग माफिया तेरी पैंस की टांग, और ये तो भाई है ही चीटर। हमारे साथ रह के हमारे साथ रहता था, खाता पीता था, अब देख रहे हो भाई हमारे दुश्मनों के साथ मिल रहा है। और ये भाई सबसे बड़ा चीटर तो ये है एल रूबियो। भाई मैंने कायो पेरिको में इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक करवाया भाई, कुछ भी नहीं निकला। मतलब कितने बड़े बड़े अपने खुद के चीटर्स यहाँ पे, कितने बड़े बड़े दोस्त अपने चीटर यहाँ पे आ रहे हैं। खुल भैंस की टांग, अब दिमाग खराब हो रहा है, मन कर रहा है भैंस की टांग भाई पानी में छलांग लगा दूं, इतना गुस्सा आ रहा है ना इन सब चीजों को देख के। भाई हमारा दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन निकला भाई। मतलब बिग माफिया को सब कुछ पता है, और वो यहाँ पे आके इनके साथ मिला हुआ, और वो मुझे अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता था। और भाई ये चारों माफियाज ने भाई लॉस सैंटोस में गंद मचा के रख दिया, इधर एल रूबियो ये अलग। भाई अब तो भाई मुझे भी कोई ऐसा बड़ा सबसे बड़ा माफिया चाहिए इन सबसे बचा सके। अब भाई जिंदगी जो है ना वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी लॉस सैंटोस में माइकल का घर, माइकल की फैमिली मारी जा सकती है। घर ये एकदम से ब्लास्ट करेंगे, ख़त्म करेंगे। भाई आप लोग सही निकले, सॉरी यार जिसको मैंने बोला था कि एल रूबियो मर गया है भाई, बट लिटरली एल रूबियो जिंदा है। और आप लोगों को मैं ये भी बताता हूँ कि एल रूबियो कॉल पे क्या बात कर रहा था। गाइस एल रूबियो कॉल पे एक बहुत बहुत बड़ी बिल्डर की टीम से बात कर रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे बहुत जल्दी कायो पेरिको जैसे पहला था उससे बढ़िया बन के चाहिए ताकि मैं दोबारा से उस जगह पे जा सकूं। पर ये नहीं बताइए आके भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये बचा तो बचा कैसे, जब मैंने कायो पेरिको में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, पूरा कायो पेरिको आग के हवाले हो गया था, बट ये बंदा बचा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। या तो फिर जब हमने वहां पे अटैक किया, एल रूबियो ने हमारे पूछे कितने सारे प्लेन्स हेलीकॉप्टर लगा देते, उस टाइम पे ये बंदा पक्का हो सकता है किसी ना किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल गया होगा। गाइस यार आप सब सही निकले और मैं निकला भाई सबसे ज्यादा गलत। मेरा दिमाग इतना घूम रहा है, मेरे को रोना आ रहा है मेरे ऊपर
कि भाई जिसको मिटाने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया वो बंदा तो आज भी जिंदा है। और भाई बोट देखियो भाई पानी में लहरती लहरती कहाँ चली गई यार। चलो ठीक है भाई निकलो अभी यहाँ से, क्योंकि भाई साहब अब कुछ भी नहीं रहा भाई, अब सही में बता रहा हूँ कुछ भी नहीं रहा। और क्या ही बोलूँ यार, मैंने अपना बैग कहाँ पे रखा था? रुकियो यार, अपने बैग में से कपड़े चेंज करके ही निकलते हैं भाई यहाँ से, क्यों ही टेंशन लेनी यार। कपड़े कहाँ है भाई? ऊपर रुको, ऊपर ही पड़े हैं। ऑल राइट गाइस, चलो ठीक है भाई हमने अपने पुराने वाले कपड़े पहन लिए हैं। चलो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं और कोई देख ना ले, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी ना देख ले भाई नीचे पानी से होके होके निकल, नहीं तो भाई अपने ऊपर अभी अटैक होना लग जाएगा भाई। ये आइलैंड पे मेरा दिमाग घूम रहा है भाई बहुत ज्यादा भाई, कब और कैसे हो गया ये सब कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। निकलो भाई अब यहाँ से, क्योंकि ये जो आइलैंड है ना इसने सब कुछ कंफर्म कर दिया भाई। लेस्टर मैं तभी बोलता हूँ कभी गलत नहीं होता, लेस्टर हमेशा बिल्कुल सही रहता है। और भाई सब लेस्टर ने ये सब कुछ कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई एल रूबियो जिंदा है अभी भी। मुझे भाई मजाक लग रहा था कि एल रूबियो जिंदा नहीं हो सकता, बट ये देखने के बाद तो भाई मेरे खुद के होश उड़ गए और मेरे पास बात नहीं है बोलने को, इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। तो चलो यार गाइस करते हैं गाइस इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो में अच्छा से कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।